हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हेलो बेटा, हेलो। डाउट्स ले लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते। एक मिनट यार, मार्क कर खत्म हो गया। ओके, हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक बच्चे ने डाउट भेजा है, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन पेज नंबर 291। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑन पेज नंबर 291। ओके, व्हाट इज गिवन फॉर अ सर्टेन मेटल द के एब्जॉर्प्शन एज इज 0.172। ओके, के एब्जॉर्प्शन एज जो है वो 0.172 है। तो देखो, ऐसे बना लो, लेवल्स बना लो। ये K लेवल है, ये L लेवल है, ये M लेवल है। इंफिनिटी से यहां आने वाली जो लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 0.172 एंगस्ट्रॉम दी हुई है उसने। द वेवलेंथ ऑफ K अल्फा, K बीटा एंड K गामा लाइंस ऑफ K सीरीज आर, ये K अल्फा, ये K बीटा और ये K गामा, KL M N। ओके, इज गिवन एज, तीनों वेवलेंथ गिवन है। द एनर्जीज ऑफ KL M ऑर्बिट आर, सबसे पहले तो अगर अपन बात करें तो इंफिनिटी से यहां तक का गैप हमें देखना है। सो ये जो गैप है इसके करस्पॉन्डिंग 0.712 है, एंड यू नो दैट ये जो गैप होगा इसकी एनर्जी के बराबर होगा। सो सिंपली मैं क्या लिखता हूं, एनर्जी ऑफ के इज नथिंग बट 12,400 अपॉन 0.172 से इसका एनर्जी आ जाएगा। अब बात करते एल लेवल का एनर्जी, इसका एनर्जी जो डिफरेंस होगा, एनर्जी ऑफ एल लेवल माइनस एनर्जी ऑफ के लेवल विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेवलेंथ व्हिच इज गिवन एज उसके बाद नेक्स्ट लेवल इज 0.12, तो ई एम और ई के का डिफरेंस लेना है हमें। ई एम माइनस ई के इज गिवन एज 12,400 डिवाइडेड बाय योर 0.192। फिर तीसरा En minus Ek लेना है हमें, which is equal to 12,400 divided by third wavelength, which is given as 0.192. Sorry, दो तीसरी भी 0.192 है। थोड़े डाटा में गड़बड़ हो गया क्या? ये भी approximately 192 ही है, तो इन दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है? ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारा। समझ में आया? एकदम एक्सट्रीम वाला लाइन का वेवलेंथ दिया था, उससे हमने पहले लेवल निकाल ली, फिर डिफरेंस लेते गए और डिफरेंस लेते गए और एनर्जी से इक्वेट करते गए। अब इसके बाद है होमवर्क का सब्जेक्टिव थ्री, होमवर्क सब्जेक्टिव थ्री। ओके, होमवर्क क्वेश्चन, फाइन, होमवर्क क्वेश्चन सब्जेक्टिव का थ्री, ओके चलेगा, ये लिख लिया सबने। मैं होमवर्क सब्जेक्टिव थ्री डिस्कस करता हूं। ओके, चलो मिटा रहा हूं मैं ये। होमवर्क सब्जेक्टिव थ्री, होमवर्क प्रॉब्लम एक्सरे क्वेश्चन नंबर थ्री सब्जेक्टिव। ये डाउट दिख रहा है, एक्सरेज आर इमिटेड बाय द ट्यूब कंटेनिंग द एलिमेंट जेड इज इक्वल टू गिवन ए 41 एज एन एंटी कैथोड एंड द एक्स के अल्फा एक्सरेज आर अलाउड टू इंसिडेंट ऑन एन अननोन गैस कंटेनिंग द हाइड्रोजन लाइक आयंस। It is found that X-ray causes the emission of photoelectron with the energy of from these ions. Okay, so basically these X-rays are allowed to incident on unknown gas containing hydrogen-like ions. तो एक गैस के ऊपर इन X-ray को बम्बार्ड किया गया, गैस के ऊपर X-ray बम्बार्ड कर रहे हैं। तो देखा क्या गया है कि X-ray जब गैस के ऊपर बम्बार्ड होती है, causes the emission of photoelectrons with an energy of 2. From these ions, कि इस आयन से हाइड्रोजन, इससे इमिशन होता है। किसका इमिशन होता है? इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है और उनकी एनर्जी होती है 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फाइंड द मिनिमम वोल्टेज एट विच द एक्सरे ट्यूब शुड बी ऑपरेटेड सो दैट द मोमेंटम ऑफ द इमिटेड फोटोन इज डबल। इमिटेड फोटॉन्स के मोमेंटम को डबल करने के लिए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ठीक है? Guys, we are discussing question number 3 on page number 287. Page number 287 पे homework problem जो है उसमें question number 3 discuss कर रहे हैं। Question number 3 में हमें element given था, उसमें से X-ray निकल रही थी। Z element से, Z जिसके लिए 41 है, उसमें से अपन X-ray निकाल रहे हैं। Okay?
और इस एक्सरे को बम्बार्ड कर रहे हैं गैस के ऊपर, और उस गैस से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जिनकी एनर्जी 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। नाउ इन द क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट सेज दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम वोल्टेज, वी मिनिमम हमें निकालना पड़ेगा, ओके, सच दैट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाए। तो ये जो मोमेंटम है इसका, इसका मोमेंटम पहले पी था तो वो 2p हो जाए। ऐसे केस के लिए मुझे मिनिमम वी क्या रखना पड़ेगा, ओके, समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसे केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके? तो सबसे पहले तो देखो v मिनिमम का रिलेशन हमारे को पता है 12,400 अपॉन लैम्बडा मैक्सिमम। v मिनिमम मतलब लैम्बडा मैक्सिमम होना चाहिए। लैम्बडा किसका मैक्सिमम होना चाहिए? ये लैम्बडा किसका मैक्सिमम होना चाहिए? जेड के ऊपर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, सॉरी, जेड से निकलने वाला जो एक्सरे है उसका लैम्बडा ही है, ओके? जेड से निकलने वाला जो एक्सरे उसका लैम्बडा, वो लैम्बडा जाके इधर टकरा रहा है, उसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, और उस मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है वो, ठीक है? ओके, एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूं, देख लेते हैं क्या क्या गिवन है अच्छे से। एक्सरेज आर इमिटेड बाय ट्यूब कंटेनिंग द एलिमेंट नायोबियम, ओके, एज एन एंटी कैथोड एंड द K alpha X-rays are allowed to be incident on unknown gas. So these X-rays are given as K alpha X-rays. So for K alpha, I can calculate the value of lambda K alpha, which is equals to R Z square, where Z is Z effective. Z effective in this case is equals to 41 minus 1. Because K alpha hai, toh maine bataya tha, K alpha ke liye it is 40, R you know. In fact, 1 by N chota square minus 1 by N bada square is also known. From here, I can calculate the value of lambda k alpha. Okay, ये lambda k alpha मैंने निकाल लिया है पहले डाटा से. Guys, focus करना है, time waste मत करो अपना comment करने में, ध्यान दो अच्छे से. सबसे पहले डाटा से I calculated the value of lambda k alpha, lambda निकाल लिया. इस X-ray का lambda निकाला, ये lambda इस पे जाके heat कर रहा है. X-ray किसको heat कर रहा है? Gas को. अब आगे क्या बोलते हो? Okay, it is found that the X-rays cause the emission of photoelectrons. ये एक्सरे क्या करता है? Photoelectron का emission करता है. Okay. With an energy of 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट from these ions. ये एक्सरे नॉकआउट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और अपने साथ लेके जा रहा है जिनकी एनर्जी है 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, corresponding to this energy, can you tell me the value of momentum? Yes, we can calculate the value of momentum as energy of electron. Okay guys, so we can calculate the, see, mass of electron you know, H you know, kinetic energy is given, that means you calculated the value of P. Now what you want? You want momentum to be double, so kinetic energy should be 1/4. Kinetic energy kya honi chahiye? 1/4 honi chahiye. So kinetic energy jo hai, wo tumhari kinetic energy initial ke 1/4 ho gayi. Okay, so 1/4 ki value tumne yahan se nikal li, iska 1/4 tumne nikal liya. Okay beta, iska 1/4 nikal ke fir se back calculation kiya. और उसके करस्पॉन्डिंग तुमने पूछा गया v, v निकालने के लिए तुम्हें लैम्बडा निकालना पड़ेगा, 1/4 निकालने के बाद लैम्बडा निकाला, लैम्बडा निकालने के बाद v निकाला। ये पहला पार्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आई कहानी पूरी? साहिल समझ में आया? गाइस कमेंट कर रहे हैं, इट वॉज गिवन, हम आगे आगे गए फिर पीछे पीछे आए, एक बार आगे गए फिर से पीछे आए, क्यों पीछे आना पड़ रहा है? नाउ इट इज सेइंग दैट द मोमेंटम वी वांट टू बी डबल्ड, सो डबल डबल मोमेंटम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी को 1/4 करना पड़ेगा, तो 1/4 से यहां से, ओके गाइस, सर केई क्या लिखा तुमने श्रावा? काइनेटिक एनर्जी 0/4 कैसे हुआ है? हाँ, 1/4 कैसे हुआ है? अटक रहा है, अरे यार ये अटक क्यों रहा है? अटकना तो नहीं चाहिए। अभी भी लैग हो रहा है? यस यस जगजीत, ओके आई एम वेटिंग, नेटवर्क इज स्ट्रांग यार, लेट मी चेक बेटा,
यार मेरी कनेक्टिविटी तो अच्छी है काफी। मेरी कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं है। एक बार रिफ्रेश करके देख लो तुम लोग। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड गाइस, माय कनेक्टिविटी इज ओके। जस्ट यू क्रॉस वेरीफाई योर कनेक्टिविटी। रिफ्रेश कर लो दर्शन। हाँ लैग वाले जिनका भी लैग हो रहा है रिफ्रेश करो एक बार। ठीक है ओके गाइस। नाउ श्रावा इज आस्किंग व्हाई डिड यू मेक दिस काइनेटिक एनर्जी एज 1/4। लेट मी एक्सप्लेन। सी मोमेंटम इज गिवन एज एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mke। श्रावा नाउ व्हाट यू वांट मोमेंटम टू बी डबल्ड। मोमेंटम का फैक्टर डबल होना चाहिए, तो ऊपर 2 का फैक्टर चाहिए। इस 2 के फैक्टर को नीचे लाओगे तो डिविजन में जाएगा, लेकिन रूट के अंदर लाओगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है श्रावा, अंडरस्टूड? That is why I am making it 1/4. Now the second part says that approximate value of z for the target of anti-cathode after the momentum has been doubled. तो इसके बाद वापस से जाके z भी बताना है तुम्हें। मतलब ये z, see lambda change हो जाएगा, k alpha तो same रहेगा, lambda change हो गया तुम्हारा, lambda change हो गया तो z भी change हो जाएगा और तुम्हें वो z बताना है। z effective निकलेगा, उसमें plus one करना पड़ेगा तो z निकलेगा। ओके जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा? जेड इफेक्टिव तुम कैलकुलेट करोगे, इट विल बी जेड माइनस वन। सो जेड इफेक्टिव में प्लस वन ऐड करोगे तो तुम्हें जेड मिल जाएगा। ओके नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैसेस। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैसेस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसके एटम्स का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है, एटॉमिक नंबर का, मतलब इसके लिए जेड का वैल्यू बताना है। ओके इसके लिए जेड का वैल्यू तुम्हें बताना है, चलेगा? ओके सो बेसिकली अगर एक्सरे इमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया तुमने और वो गया 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ। कितने से गया वो? 2.7 की एनर्जी के साथ। अब तुम्हें बताना है इस गैस का एटॉमिक नंबर। ठीक है ओके सो तुम्हें क्या बताना है? इस गैस का एटॉमिक नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से जा रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर बताने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? के अल्फा के करस्पॉन्डिंग, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है उसने बताया नहीं है हमें, तो ऐसा कंसिडर करो काफी ज्यादा एनर्जी है, तो सबसे बड़ा जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो तो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है, उसको तुम इसकी एनर्जी के बराबर कर लो। 13.6 Z² = 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां से करके देख लो। ये थर्ड पार्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो गेस करना है थर्ड पार्ट में, तो सी पार्ट में गैस का एटॉमिक नंबर। फोर्थ पार्ट, आयनाइजेशन इन द गैस कॉज्ड बाय एक्सरे, इफ द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज 100 एंड 1% ऑफ एक्सरे कॉजेस आयनाइजेशन, द आयनाइजेशन इन द गैस कॉज्ड बाय एक्सरे। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है ना, डी पार्ट, द आयनाइजेशन इन द गैस कॉज्ड बाय एक्सरेज। यस गैस में जो आयनाइजेशन हुआ है वो एक्सरे ने कॉज किया है, बराबर है बिल्कुल। इफ द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज 100 इंटेंसिटी से गिर रहे हैं और 1% कन्वर्जन है तो कितना आयनाइजेशन हो गया? बेटा थर्ड पार्ट में हमें गैस का एटॉमिक नंबर पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा? गैस का एटॉमिक नंबर। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये कोई गैस मॉलिक्यूल है हमारा, इसके ऊपर एक्सरे गिर रहा है। ओके सो ये एक्सरे है, ये गैस पार्टिकल के ऊपर गिर रहा है और यहां से आयनाइज हो जा रही है गैस, आयनाइज्ड गैस एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। ओके दीस आर एक्सरेज विच आर फॉलोइंग ऑन अ गैस, आयनाइज गैस बन रही है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है तो ये जो आयनाइज गैस हुई या ये जो गैस थी पहले, इनमें नंबर ऑफ मतलब इसका एटॉमिक नंबर बताना है, इस गैस के लिए जेड बताना है और उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने को बोला है। तो अप्रोक्सीमेट बोला है तो एक काम करो, हमें पता नहीं है कि वो कौन से स्टेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो कोई भी स्टेट मान लो, जैसे कि ग्राउंड स्टेट मान लो, कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती होती है आयनाइजेशन एनर्जी, तो इस स्टेट का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ग्राउंड स्टेट का? 13.6 Z² होता है। उसकी वैल्यू को तुम इससे इक्वेट करो 2.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और इसको सॉल्व करके जेड की वैल्यू देखो क्या आती है। मेरे ख्याल से इससे मैच होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है
एक बार ट्राई करके देख सकते हो तुम लोग। ओके, इसके अलावा डी पार्ट भी क्या है, डी पार्ट में कितना आयनाइज करेगा, इसका रेट दिया हुआ है और कन्वर्जन रेट भी दिया हुआ है, तो डी पार्ट तो हो जाएगा ना तुम लोगों से। चलो और कुछ पूछना है तुम लोग को? यशोदीप जेड 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। ओके बेटा, किलो मतलब इसको दो तीन जीरो लगेंगे, तो दो जीरो 2700 अपॉन 13.6 में करके देखता हूँ। 2700 अपॉन ओके 2700 अपॉन 13.6 आ रहा है मेरा 198 के पास पास, तो 196 किसका होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करके देख लो इसका, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा ऑलमोस्ट 14 के पास पास आ रहा है मेरा। आंसर क्या गिवन दिया उसने, थर्टी टू दिया है। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन एरर किया क्या? 32 आंसर इज गिवन, 32 13.6 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2.7 किलो। अच्छा, तो डिवाइडेड बाय 4 वाले में तो नहीं किया ना इसने, एक मिनट रुको, 14 आ रहा है। हाँ यशोदीप, तुम्हारा आंसर 32 कैसे आ गया? मेरा 14 आ रहा है, थर्ड पार्ट में गई मिस्टेक की, क्या लेट मी आइडेंटिफाई द मिस्टेक बेटा। 13.6 जेड स्क्वायर ओके, चलेगा ये, सी पार्ट में मार्क करता हूं, इधर कहीं मिस्टेक किया हमने कैलकुलेशन में, देखते हैं। और पूछो, एचसीवी के डाउट बेटा एक ही क्लास में ले लेंगे अपन, लास्ट क्लास में ले लेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना तब ले लेंगे, पहले तो मॉड्यूल, प्रायोरिटी अपनी मॉड्यूल है। मॉड्यूल पूछ लो, सब्जेक्टिव फर्स्ट ऑन 287 प्लीज। ओके, सब्जेक्टिव फर्स्ट ऑन 287 चलेगा, इसका मुझे सी पार्ट बताना है, बाकी मैं बताऊंगा तुम्हें। लेट मी थिंक अगेन, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा 14 आया है, एक बार चेक करना पड़ेगा कुछ गलती है क्या। काफी बड़ा क्वेश्चन है यार, एरर आइडेंटिफाई करने के लिए भी टाइम लगेगा हमें। चलेगा, वापस से आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं बेटा, एक मिनट दर्शन, लेट मी जस्ट क्लियर दिस डाउट फर्स्ट। सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्लियर करने दो। अ लाइन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ गोल्ड, द लाइन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ गोल्ड कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ दिस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ मतलब के अल्फा या के बीटा का होगा ये, गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पर्टिकुलर वैल्यू ना, जो के अल्फा या के बीटा के करस्पॉन्डिंग होता है, ये एल अल्फा और एल बीटा के करस्पॉन्डिंग होता है। ओके, अरे सारे पूछ रहे हो क्या सब्जेक्टिव के, सभी पूछ लो तुम लोग, 1 2 3 लाइन से पूछ रहे हो, ठीक है? अभी बस मैं हिंट दे रहा हूं, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन सॉल्व करके भी भिजवा दूंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो। फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट में क्या बोला है कि 0.185 एंगस्ट्रॉम इसका लैम्बडा दिया हुआ है। द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन ओके कॉज द एटम जंपिंग फ्रॉम एनर्जी लेवल -13.7 किलो इलेक्ट्रॉन टू ओल्ड टू लोअर वन, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी लेवल। चलेगा, दिस ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ ये है, द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी वो निकाल सकते हैं अपन। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, चलो बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या आती है, 12,400 डिवाइडेड बाय 0.185, बोलो, टेल मी द आंसर, फटाफट आंसर बताओ इसका कितना आता है। कॉजेस द एटम जंपिंग फ्रॉम द एनर्जी लेवल -13 टू द लोअर वन, टू द लोअर वन, ओके, सो -13.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो लोअर वन पे जंप किया, लोअर वन मतलब -13.6 जेड स्क्वायर। ओके, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी लेवल। चलेगा, ओके बेटा, देखो आ गया समझ में ये क्वेश्चन, तो
67 आ रहा है, 67,000 ऑलमोस्ट, ये 67,000 आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्लियर लग रहा है, देखो ये एक एनर्जी लेवल है, यहां से वो यहां जंप कर रहा है, उसमें वो इतना फोटोन इमिट कर रहा है, ठीक है ना, इतनी वेवलेंथ इमिट कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 67 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हुई। ये जो एनर्जी है वो इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, ये कौन सी स्टेट है, उसने गिवन दिया है इस स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है बोले, इसमें डिफरेंस जो होगा वो ये होगा। ओके, इनमें जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। यहां से तुम्हें जेड क्या पता चलेगा, जेड पता चलेगा, और जेड पता चलेगा तो तुम्हें 13.6 जेड स्क्वायर ही वैल्यू बतानी है, लेकिन पॉजिटिव में बतानी है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल का नेगेटिव, ये तुम्हारा बाइंडिंग हो जाएगा। ओके, टोटल एनर्जी का नेगेटिव तुम्हारा बाइंडिंग हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है? अरे जेड जेड तो आता है ना 13.6 जेड स्क्वायर फर्स्ट लेवल में एनर्जी का वैल्यू, यहां से यहां जंप किया तो इनका डिफरेंस इक्वल्स टू गिवन एनर्जी कर लो। या ऑब्जेक्टिव के थर्ड में बेटा मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो एक्सप्लेन किया, डीबी एक्सप्लेन किया, थर्ड में हमारा आंसर 14 आ रहा है, उसका एरर देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ू। साहिल कोई बात नहीं, उसमें थर्ड पार्ट में अभी और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, वहां 14 आ रहा है मेरा आंसर, एक बार चेक करता हूँ थर्ड पार्ट। सर थर्ड में वो वर्क फंक्शन होगा और के क्या लिखा है रहे? सर थर्ड में वो वर्क फंक्शन होगा और के ही निकालनी पड़ेगी। अरे गैस है ना वो, मेटल टारगेट थोड़ी है बेटा दर्शन थर्ड में। बेटा दर्शन कंफ्यूज हो गए हो तुम, वो मेटल टारगेट नहीं है कि तुम वर्क फंक्शन निकालोगे, चेक करना पड़ेगा एक बार मुझे। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विद एन एनर्जी ऑफ दिस, सो गैस में तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर गैस में तुम मेटल प्लेट की तरह कंसिडर करोगे तो एक बार ट्राई कर सकते, वैसे एक बार ट्राई कर सकते हो ऐसा। यहां पे लास्ट स्टेप रोहन ये है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, जो एनर्जी इमिट हुई ना वो ये है, तो एनर्जी कितनी इमिट होती है, दिस लेवल माइनस दिस लेवल का डिफरेंस, विच इज गिवन एज दिस, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट जेड। ओके, यहां पे अगर मेटल टारगेट होता तो अपन वो कर सकते थे बेटा, है ना। ड्रीम फर्स्ट, यू कैन आस्क योर डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसी गलती से हो गए, इधर पूछो तुम्हें क्या डाउट है, सेकंड भी करना है, तुम लोग को इतने सारे डाउट्स आते हैं, बाप रे बाप। सेकंड, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20, वोल्टेज को इंक्रीज किया 10 से 20, the wavelength interval between k alpha line and the short cut off of the continuous axis rectum increases by the factor of 3. Wavelength interval between the k alpha line that and the short wave cut off, okay, is increased by the factor of 3. Find the atomic number of element of which the tube एंटी कैथोड इज मेड, चलेगा। तो देखो 10 से 20 हमने V को चेंज किया है, तो ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है, कट ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्बडा मिनिमम, और के अल्फा का वेवलेंथ मतलब लैम्बडा ऑफ के अल्फा, इनका जो डिफरेंस है, क्या कह रहा है, दी इंटरवल, द वेवलेंथ इंटरवल मतलब डिफरेंस, डिफरेंस इन दिस वेवलेंथ इज इंक्रीज बाय द, पहले था ये पी,
10 वोल्ट पे ये डिफरेंस पी था. ओके ड्रीम फर्स्ट में तुम्हारा डाउट लेता हूं, ठीक है. सो इसका जो डिफरेंस है वो पी है. अब तुमने 20 वोल्ट किया तो इसका डिफरेंस जो था लैम्डा मिनिमम माइनस लैम्डा के अल्फा का, वो चेंज होके 3p हो गया, 3 टाइम्स हो गया, राइट. इंक्रीज बाय फैक्टर 3. ओके increases by factor 3. increases by factor 3 मतलब p plus 3p increases, मतलब add करना पड़ेगा 3 के factor से, चलेगा. find the atomic number of the element which, okay so ये basically 4p हो गया है. तो देखो lambda minimum पहला जो voltage है यहाँ से ये निकल जाएगा, इस voltage से ये निकल जाएगा. और k lambda k alpha के लिए formula है 1 by lambda equals to Rydberg constant into z square upon lambda k alpha है. K अल्फा होना मतलब 1 by 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. ये तो fixed है इसका. R constant है तुम्हारा, ठीक है. Atomic number कुछ दिया है क्या उसने? नहीं. Atomic number पूछा है. Atomic number पूछा है. तो पहले equation में तुम्हारा ये variable है और ये variable है. Second equation में तुम्हारा ये variable है और ये variable है. दो equation, दो variable. इससे तुम lambda K अल्फा निकाल लो. Lambda K अल्फा निकाल के तुम इस equation में put कर लो, तो तुम्हें Z की value आनी चाहिए. ओके अब बोलो और किसका डाउट है. ओके बेटा वो तो कैलकुलेशन तुम कर लो, इसका बेसिक समझ लो क्या है बेसिक, ठीक है तुम लोग के लिए. लेकिन मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके तुम लोग को देने पड़ेंगे. काफी सारे बच्चे हैं, हर बच्चे का क्लास में हर डाउट लेते नहीं बैठ सकता मैं. ओके ये फिर से देखो सब्जेक्टिव 9th डाउट है. Highly energetic electrons are bombarded on a target of element, okay, containing 30 neutrons. Highly energetic electrons are bombarded. Question number 9th subjective ka. Highly energetic electrons. Electrons hai, inki energy kaafi zyada hai. Inko bombard kiya gaya. Kiske upar bombard kiya gaya? On a target of an element. Chalega. Containing 30 neutrons. इनमें 30 neutrons थे. लिख लिए, चलेगा. The ratio of the radii of the nucleus to that helium nucleus is the ratio of radius of nucleus to that of helium nucleus. इसका ratio helium nucleus, okay. इसके nucleus का ratio, ये मान लो कुछ x element है. इसके radius of nucleus का helium के साथ जब ratio लेता हूँ nucleus के साथ तो कुछ आता है 14 रेस्ट. अरे यार इसको समझाने के लिए मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक कांसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा. फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस पहला, चलेगा. एकदम आसान है पहला पार्ट. तो देखो बेटा तुम्हें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं आर नॉट आज के लेक्चर में. आर नॉट एटॉमिक नंबर रेस्ट टू पावर 1/3. इस फॉर्मूला को यहां यूज करना है. आर नॉट तो कांस्टेंट होता है, आर नॉट दोनों के लिए सेम है. तो पहले आएगा एटॉमिक मास नंबर of x raised to the power 1/3 upon atomic mass number of helium raised to the power 1/3. Helium ka atomic mass number kitna hota hai? 4 hota hai. Iska power 1/3 equals to 14 ka power 1/3. 1/3 se 1/3 cancel ho jayega. To A is equals to aayega 14 into 4. Ye mass number hai. 56 iska mass number aayega. Usne pucha kya atomic number pucha hai. To kis element ka mass number 15 hai? Matlab jiske liye A 56 hai uske liye Z bata do. Bolo Z kya hota hai? सस्मित कह रहे हैं होमवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाउट. सही कह रहे हो वैसे. अच्छा ये केमिस्ट्री में डन है फॉर्मूला, बहुत बढ़िया. गाइस बोलो जेड कितना आ जा रहा है यहां से. 26 श्योर ना, पक्का. आर्यन जगजीत कोई एक बताओ भाई कितना आता है. ये कौन से रूल में आ रहा है? डबल, तीन रूल होता है ना, डबल डबल प्लस वन डबल प्लस टू, 26 आता है, चलेगा. तुम्हें पता है ना डबल डबल प्लस वन डबल प्लस टू, ऐसे तीन हो सकते हैं पॉसिबिलिटी एटॉमिक. हाँ 26 है, चलो काफी लोग 26 कह रहे हैं. तो मेरा जेड निकल गया 26. देखो चेक कर लो एक बार 9th का आंसर. द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन,
ये क्या दिया है, 42 आंसर गिवन है, किसका गिवन है, 10th है 9th है अपना सब्जेक्टिव का, 26 ना, हाँ करेक्ट है। अरे ये नंबरिंग में कुछ चेंज हुआ है शायद, इधर 10th लिखा है और उधर 9th लिखा है क्वेश्चन में, आंसर 26 होगा, ठीक है करेक्ट है पहला पार्ट, पहला पार्ट करेक्ट है, नंबरिंग में कुछ गड़बड़ है, इधर 9th क्वेश्चन है लेकिन आंसर में 10th के आंसर है, वो ए और बी पार्ट 10th का है, ठीक है तो कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके डजंट मैटर अद्वैत। ओके और सेकंड पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस, अब तुम्हें निकालना आना चाहिए यार, 1/लैम्डा का फॉर्मूला लगाना है सिंपली, वहां से लैम्डा निकल जाएगा, 1/1 - 1/4, अब जेड तुम्हें पता चल गया, आर तुम्हें ऑलरेडी पता है, लैम्डा निकाल लो, लैम्डा के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो। ओके नाइन्थ भी डन हो गया जगजीत, ये फॉर्मूला बताऊंगा मैं, टेंशन मत ले। ओके आगे बढ़ते, अभी पढ़ते यार न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पार्ट मेरा छूटा हुआ है, मुझे याद आया आज कि मैंने एक चीज नहीं पढ़ाई है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, छोटा सा पार्ट है वो कंप्लीट करके न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ू, डन गाइस, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर नाउ, डू नॉट पुट अनवांटेड कमेंट्स। चलो बेसिकली मंडे के लेक्चर में अपना कोशिश करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाए, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, आई विल लेट यू नो अबाउट न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में इन्फॉर्म कर दूंगा तुम लोग को, ठीक है। चलो देखो अभी, सो बेसिकली बोर मॉडल तो हमने पढ़ लिया था, वी स्टडीड बोर मॉडल, बट एक छोटा सा कंसेप्ट छूट गया था। देखो रियलिटी में जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तुमने कॉम में पढ़ा कि दो मास सिस्टम में हमेशा उनका मोशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, पर हमने तो ये माना कि न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है, पर रियलिटी में न्यूक्लियस रेस्ट पे है क्या? नो, न्यूक्लियस इज नॉट एट रेस्ट। तो अगर हम न्यूक्लियस के मोशन को कंसिडर करें तो टॉपिक होगा ये मोशन, कंसिडरिंग मोशन ऑफ न्यूक्लियस, considering motion of nucleus, ये तुम्हारा atomic structure का एक part है जो छूट गया था मेरे से, वो मैं ले रहा हूँ। देखो इधर मैंने mass of nucleus को mn लिया, mass of electron को मैं me ले रहा हूँ, इनके दोनों के बीच के distance को r ले रहा हूँ, और ये distance है electron वाला r2 और nucleus वाला distance है r1। Now what is happening? These two are revolving around their com, ये com है, com से distance मैंने ले लिया है, तो nucleus अपने com के about circle कर रहा है। ओके हमने अप्रोक्सीमेटली माना कि न्यूक्लियस बहुत हेवी है इसलिए रेस्ट पे माना, पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने कॉम के अबाउट सर्कल कर रहा है, ठीक है ना, ये सर्कल कर रहा है, दोनों भी सर्कल कर रहे हैं। नाउ व्हेन दे आस्क अस टू राइट द एंगुलर मोमेंटम, हमें लिखना क्या है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है, ये हमारा टास्क है। इसके लिए सबसे पहले लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2। व्हाट इज r1? r1 तुम लोगों ने कॉम में पढ़ा है, टू मास सिस्टम में क्या होता है, ओके r1 क्या होता है बोलो, R1 क्या होता है, सामने वाला मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल मास, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल डिस्टेंस, दैट इज R। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2, ये तुमने कॉम में किया राइट, इट इज नथिंग बट मास ऑफ न्यूक्लियस, R2 के लिए मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू R डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सो नाउ कैन आई राइट द इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, यस ऑफ कोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस इनर्शिया ऑफ द second body about the com multiplied by omega. Now what is inertia? Inertia is mr square. So first body is nucleus. So nucleus ka mass into r1 square plus electron ka mass into r2 square whole multiplied by omega. Whole multiplied by omega. So now you can put the value of r1 and r2 in the equation. You'll get mn multiplied by r1 square. r1 square is this square. That is me square upon mn plus me ka whole square multiplied by r square plus me into r2 square. r2 square is what? mn ka square upon mn plus me ka whole square multiplied by r square and whole multiplied by omega. You're getting it, right?
समझ में आ रहे हैं सबको? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है. सी mn plus me का होल स्क्वायर इज गेटिंग कॉमन. इनफैक्ट mn into me भी कॉमन निकल रहा है. तो बच क्या रहा है? एंगुलर मोमेंटम में बच रहा है. mn into me कॉमन निकला. इनफैक्ट mn plus me का होल स्क्वायर भी कॉमन निकला. r स्क्वायर भी कॉमन निकला. ब्रैकेट के अंदर बचा mn plus me. देखो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? इधर का me, इधर का mn, तो mn plus me. नाउ दिस इज गेटिंग कैंसल्ड विद द mn plus me स्क्वायर. सो अल्टीमेटली द इक्वेशन बिकम्स mn into me upon mn plus me मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर. एक ओमेगा भी छोड़ दिया हमने, ओमेगा भी है, आर स्क्वायर ओमेगा. सो दिस यू कॉल्ड एज रिड्यूस मास, राइट? इसको तुम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे तुम रिड्यूस मास. ओके, इसको क्या बोलते थे तुम? रिड्यूस मास. तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिड्यूस मास इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. Now from here we can say that initially this equation was, when we are not considering the motion of nucleus, this equation was mr square omega tha ye, nh upon 2 pi. Isme mr square omega mein m kya tha? Mass of electron tha. Kya tha m? Mass of electron. Lekin ab ye me ko kisne replace kiya? Mu ne replace kiya. Agar apan soche to hame ye bhi pata hai ki, ye thoda dabba bana raha hu, ki radius of nucleus was directly inversely proportional to mass of electron. Velocity of nucleus is independent of mass of electron. Energy of nucleus, energy of nth orbit is proportional to mass of electron. Radius is inversely proportional to mass of electron. Velocity is independent of the mass of electron and energy is directly proportional to mass of electron. तो calculate करते समय हमने mass of electron involved किया था, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं. Mass of electron को हमें किससे replace करना है? We have to replace it with mu. So see, what I am doing is, radius का जो formula निकाला था मैंने 0.529 n square by z, इस फॉर्मूला में वो नीचे था. तो एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हट गया, कट गया उससे, और डिवाइड कर देता हूं म्यू से, तो उसके बदले म्यू आ गया. उसके बदले कौन आ गया? उसके बदले म्यू आ गया. अगर बात करें वेलोसिटी की, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे. तो इट विल बी सिंपली 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n. लेकिन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में क्या था? -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. कितना है? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. पर मास मल्टीप्लाई में लिया था हमने, तो एक काम करना पड़ेगा, डिवाइड में लेना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू लाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, तो जाके हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी मिलेगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी व्हेन वी कंसीडर द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस, व्हिच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी. There is no difference of velocity here, but there is a difference of radius and energy if you are considering the motion of nucleus. Okay, beta? Samajh mein aa gaya? Yes, definitely, beta. Definitely. I will try. Just collect your doubts. I will try to arrange a lecture. Just collect your doubt and send them. आपके respective coordinator को send करो, वो मुझे भेज देंगे, and we'll discuss everything. उसमें क्या रहेगा? जो doubt वाले बच्चे रहेंगे वही attend करेंगे उसमें, तो अच्छा रहेगा, वो better रहेगा. लेकिन ये अपन तब करेंगे जब हमारा पूरा होमवर्क हो जाता है मॉडर्न का सॉल्व, ठीक है? उसके पहले नहीं करेंगे, बिकॉज नहीं तो बाद में फिर से डाउट आते रहेंगे. क्या हो गया गणेश? व्हाट हैपेंड गणेश? क्या हो गया? रिकैप क्यों चाहिए तुम्हें? यस बेटा, आर वन कॉम का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से. स्वामिनी, आर वन इज अ डिस्टेंस ऑफ कॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके ऋत्विक, बढ़िया. गणेश, अगर तुमने लेट ज्वाइन किया तो पीछे जाके देख लो एक बार, बाद में लिख लेना, तुम लिखने में टाइम बाद में लगा लेना. ओके okay?
थोड़ा सोच के डाउट पूछना है, जिनको भी पूछना है डाउट। धार्मिक बेटा वीडियो को पीछे करके देख सकते हो तुम, या तो फिर बाद में देख लो, बाद में देख लो बेटा, है ना। ओके रोहन, बढ़िया। ओके ऋषभ, धार्मिक बाद में देख लेना बेटा, है ना। व्हाट इज अद्वैत कह रहे, व्हाट इज यू, वेर इज यू, लेट मी सी, वेर इज यू धार्मिक, यू किधर है, म्यू है बेटा, वो म्यू रेड्यूस मास, देखो रेड्यूस मास, एम वन एम टू अपन एम वन प्लस एम टू को अपन रेड्यूस मास कहते हैं। किसका डाउट था ये, छोड़ चला गया वो क्वेश्चन जहां पूछ रहा था। कोई बात नहीं ड्रीम, तू बाद में बीच में पूछ लेना मुझे, इतना क्यों रो रहा है तू आज, फ्रस्ट्रेटेड क्यों है इतना तू। म्यू इज अ रेड्यूस मास बेटा, पॉसिबल कैन यू अरेंज अ डाउट लेक्चर ऑन संडे सो दैट वी कैन क्लियर डाउट्स विदाउट अल्टरिंग द शेड्यूल। ऋत्विक विल ट्राई टू मैनेज इट, लेट मी फिनिश द टॉपिक फर्स्ट। Okay guys, done. M is a mass of electron. Me is a mass of electron. कोई बात नहीं बेटा, हो गया होगा गलती से उनसे सर, कोई मैं दोनों पार्टिकल को एक बॉडी कंसिडर करके भी लेना पड़ेगा ना सर। क्या है ये सर, दर्शन नहीं समझा बेटा तेरा डाउट नहीं समझा। हाँ साहिल विजिबल है, क्या लिखा है सर, क्या है ये, एम इक्वल्स टू क्या लिखा है, एम इक्वल्स टू क्या लिखा है, वेर इज इट, M is equals to, where is it? कौन सा स्टेप यार, M equals to किधर लिखा है मैंने, ये L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, M equals to किधर लिखा है, नहीं समझा बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा मैं। अरे ये रेडियस है ना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन आई टू इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन इंटू आई टू इंटू ओमेगा, आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों पार्टिकल को एक बॉडी कंसिडर करके भी लेना, क्या बोला, दोनों बॉडीज को एक बॉडी कंसिडर करके, इंडिविजुअल लिया ना, कॉम के अबाउट, कॉम के अबाउट इंडिविजुअल ले लिया, या तो फिर म्यू आर स्क्वायर लिख लो चलेगा, वो भी सही है, म्यू आर स्क्वायर लिख लो डायरेक्टली चलेगा, जो तू कह रहा है वही आ रहा है अल्टीमेटली। आर्यन लिखा है क्या वो, अच्छा वो एम दिख रहा है ना इधर, ठीक है समझा, आर्यन मतलब रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट विच इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू, दैट इज रेडियस मास, एन स्क्वायर अपॉन जेड है ना वो, अरे यार तुम लोग को पता तो है ना ये n square upon z होता है ना, ये क्या होगा वो, है ना। चलो ओके आगे बढ़ू, हो गया सबका। ओके चलो आगे बढ़ते, अभी अभी हेडिंग डालना है न्यूक्लियर फिजिक्स, हेडिंग डालना है न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके न्यूक्लियर फिजिक्स,
ओके सो न्यूक्लियर फिजिक्स में एकदम बेसिक से शुरू करते हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स को. न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे पहले एकदम बेसिक आइडिया कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो सारी बातें करते हैं. सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ओके, एंड इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है. दिस इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस. नाउ इनसाइड अ न्यूक्लियस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. क्या बोला जाता है उनको? न्यूक्लियॉन्स. एंड दिस पार्टिकल्स आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्या होता है ये पार्टिकल? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है. उसके अराउंड में कौन घूम रहा होता है? उसके अराउंड में घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस. साइज ऑफ न्यूक्लियस होती है फर्मी लेवल की. साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत ही बेसिक चर्चा है ये न्यूक्लियस के ऊपर. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी, दैट इज 10^-15 मीटर. बट अगर अपन साइज ऑफ एटम की बात करें तो साइज ऑफ एटम कितनी होती है? साइज ऑफ एटम होती है अप्रोक्सीमेटली 10^-10 मीटर के ऑर्डर की. कितनी होती है? 10^-10 मीटर के ऑर्डर की होती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन. इनका तीनों का मास लिख लेते हैं. नेक्स्ट चीज, बेसिक चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10^-31 केजी में. ओके, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10^-27 इन केजी. Again, the mass of neutron is approximately equals to mass of proton. Although mass of neutron is slightly greater than the mass of proton, it is equals to approximately equals to 1.67. Is 67 ke baad wale factor mein changes. 67 tak to dono barabar hai almost. 27 kg. Okay. Now, aur kya cheez basic ho sakti hai? Basic hota hai charge. Charge on electron, charge on proton, charge on neutron. इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर इक्वल चार्जेस होते हैं, जस्ट उनका साइन डिफरेंट होता है. यहाँ होता है -1.6 × 10^-19 कूलम, यहाँ होता है +1.6 × 10^-19 कूलम. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल है ये. ओके, अब तीसरी बेसिक चीज क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन एटम को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम का रिप्रेजेंटेशन. एवरीबडी नो दैट, राइट? किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते समय हम बॉटम पे लिखते हैं जेड, टॉप पे लिखते हैं ए. मीनिंग ऑफ जेड इज व्हाट? मीनिंग ऑफ जेड इज एटॉमिक नंबर. मीनिंग ऑफ ए इज मास नंबर. जेड इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. ओके, लिख लो सब लोग, एटॉमिक नंबर. एंड ए इज कॉल्ड एज मास नंबर. फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. बहुत ही बेसिक है ये, सबको पता है, लेकिन लिख लो फिर से. ओके, बाकी लोग भी लिख लो फटाफट. हाँ गाइस, हो गया सबका. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो जेड, जेड क्या बोला हमने? जेड इज अ एटॉमिक नंबर. जेड इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. It is equals to number of proton, or also you can say that it is equals to number of electrons in a neutral atom. Number of electrons in a neutral atom. Agar tumne electron nikale na ho kisi atom se, then the number of electrons are also called as Z. They are also equals to Z. Now the next thing is A. A is called as atomic mass. Atomic mass is equals to number of protons plus number of neutrons. Number of protons plus number of
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का एडिशन करो तो मुझे ए मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब दोनों इक्वली होते हैं, ऑलमोस्ट किसी एटम में इक्वल होंगे, या तो फिर किसी में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, तो इसलिए तुम्हें रूल बताया गया है केमिस्ट्री में, इट इज डबल मास नंबर जो होता है डबल होता है या तो प्रोटॉन के, या तो फिर डबल प्लस वन होता है, या तो फिर डबल प्लस टू होता है। ओके फाइन, नाउ लेट्स डिफाइन द वैल्यू ऑफ वन एएमयू। वन एएमयू ये भी काफी काम की चीज है इस टॉपिक में। व्हाट इज वन एएमयू, टेल मी व्हाट इज वन एएमयू, डू यू नो व्हाट इज वन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, पता है इसके बारे में? इट इज नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C6 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज 1 AMU। ओके सो इतना ये जो यूनिट है ये डिफाइन किया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो अगर अपन बात करें कार्बन C6 12 की, तो कार्बन C6 12 में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है, 6 times mass of proton, plus इसमें न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 times mass of neutron, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इधर। अब देखो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये ऑलमोस्ट क्या रहता है? बराबर रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर रहता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/12 × 12 times of mass of proton। दोनों बराबर होने की वजह से मैं उसको मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वेट कर सकता हूँ। अब 12 ने 12 को मार दिया, क्या बचा? मास ऑफ प्रोटॉन बचा। तो बेसिकली After solving everything, what I come up to, 1 AMU is nothing but mass of 1 proton. And mass of 1 proton, you know that it is 1.67 into 10 power minus 27 kgs. So, यहां से तुम्हें AMU में और kg में एक conversion factor मिल गया। 1 AMU क्या होता है? Simply 1 AMU is a mass of proton. 1 AMU is simply a mass of proton, which is 1.67 into 10 power minus 27 kgs. तो यहाँ पे तुम्हें AMU और KG का रिलेशन भी पता चल गया है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इस टॉपिक में लग सकती है हमें, इसलिए सारी डिस्कस कर रहे हैं अपन। फटाफट लिख लो। थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं इसको लेके, क्योंकि ऑलरेडी ये सब लोग को पता होता है, नहीं पता हो तो रिवाइज हो, मतलब पता चल जाएगा, और अगर पता है तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो थोड़ा स्पीड में रहे, इसमें ज्यादा रहेगा, लेकिन किसी को दिक्कत है तो बता देना। ओके हो गया है सबका लिख के, आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो इस एएमयू से और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है। सी अगर कोई तुम्हें पूछे कि हेलियम है तुम्हारे पास Hg2 4 हेलियम, अब इसके वन एटम का कोई मास पूछे, वन एटम का मास, इसके वन एटम में टोटल कितने प्रोटॉन से? 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, तो इसका मास क्या है? 4 times मास ऑफ प्रोटॉन। और सिंपली मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? तुम्हारा एएमयू होता है, तो इसको तुम लिख सकते हो 4 AMU लिख सकते हो, या तो फिर 4 times मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 4 × 1.67 × 10^-27 kg। दो तरीके से लिख सकते हो इसके मास को, या तो तुम केजी में लिख दो, या तो तुम एएमयू में लिख दो, ये एक तरीका हुआ। अगर तुम्हें कोई पूछता है कि 1 mole ऑफ हीलियम है तुम्हारे पास, कितना है तुम्हारे पास हीलियम? 1 mole ऑफ हीलियम, 1 mole ऑफ एचई है, तो अब तुम्हें ये पता है कि 1 mole में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं। एक पार्टिकल के लिए 4 times है, तो 4 × 1.67 × 10^-27 मल्टीप्लाइड बाय कितने एवोगैड्रो, कितने पार्टिकल है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनए से, तो 1 mole में इतना मास है। कितना हो जाता है देखते हैं जरा, 4 × 1.67 × 10^-27 × 6.022 × 10^-23।
ये 6.022 और 1.67 इसका जो प्रोडक्ट है ये अप्रोक्सीमेटली इसका प्रोडक्ट 10 आता है. तो ये 4 × 10 × 10⁻²⁷ देखो 1 − 27 = −26 तो ये हो जाएगा −26 + 23 विच इज −3 kg में. −3 को ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम. तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है कि अगर हमें किसी चीज का एक एटम दिया है, तुम्हारे पास एक एलिमेंट है एक्स जेड ए और उसका तुम्हें एक एटम दिया है तो उसका मास तुम्हें सिंपली बोलना है AMU. कितना बोलना है तुम्हें AMU. अगर उसने बोला कि 1 मोल का मास बताओ तो सिंपली बोलना है ए ग्राम्स. देखो ना ये 4 है तो 4 AMU 4 ग्राम्स. तो डायरेक्ट ये रिजल्ट अपन यूज कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास AMU होता है और उसके 1 मोल का मास ए इन ग्राम्स होता है. ओके लिख लो फटाफट. ओके बेटा डन. ओके आगे बढ़ता हूं फिर मैं. आगे बढ़ता हूं. ओके अब और क्या चीज डिस्कस करते हैं अपन. आइसोटोप्स. उसके बाद क्या होता है आइसोबार्स. है ना ये सब कर चुके हो तुम राइट. आइसोटोप्स आइसोबार आइसोटोन्स ऐसी 3 चीजें होती राइट. आइसोटोप्स क्या होता है टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोप. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर राइट. पता है ना सब लोग को आइसोटोप. आइसोटोप क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर राइट. पता है आइसोबार क्या होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. व्हाट हैपेंड बेटा तू कोडिंग मत कर ले दर्शन. यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी है तुझको. फिजिक्स समझना है. आईआईटी में जाके कोडिंग कर लेना. टॉप में गड़बड़. ये सही तरीके से बताया. टॉप में गड़बड़ बोलता है. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. इसका मतलब क्या है एक आध एग्जांपल बता सकते हो. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर मतलब C6-12 लिख सकता हूं मैं. C6-14 लिख सकता हूं. आइसोबार सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. N7-14 एंड C6-14 सेम मास नंबर है इनके पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम थे मास नंबर डिफरेंट थे. आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ तुम्हारे तुमको. एक मिनट. C6-14 में 8 न्यूट्रॉन है. O8-16 में भी 8 न्यूट्रॉन है ना. C6-14 and O8-16 same number of neutron, 8 neutron है दोनों में भी. तो आइसोटोप में क्या सेम रहता है एटॉमिक नंबर. आइसोबार में क्या सेम रहता है मास नंबर. और इसमें क्या सेम रहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लिख लो फटाफट फिर आगे बढ़ते अपन. हाँ मेरे भाई ड्रीम फर्स्ट आईआईटी में जाके वही सब करना है. अभी फिजिक्स समझ ले.
अभी फिजिक्स पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आईआईटी में नहीं पहुंच पाओगे। कोडिंग तो कहीं 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 भी जाके हो सकती है वैसे, लेकिन वहां पे करोगे तो अच्छी बात रहेगी। चलो डन। हो गया बेटा, बढ़ो आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है अपना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ध्यान रखना, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग थी, वो पढ़ी थी हमने बोर में, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय द इक्वेशन आर नॉट ए रेस टू द पावर 1/3, वेर आर नॉट इज अ कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ आर नॉट इज 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर्स एंड ए इज योर एटोमिक मास नंबर। क्या होता है ये? ए होता है तुम्हारा एटॉमिक मास नंबर। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में इसका यूज हो गया था, ठीक है? काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन नहीं इसका, इसको याद करना है तुम लोग को। अब निकालते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या निकालते हैं? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर अपन अगला पॉइंट बिल्ड करेंगे। ओके, देखो डेंसिटी का वैल्यू होता है, कोई भी एलिमेंट ले लिया तुमने xz है, इसकी डेंसिटी निकालनी है न्यूक्लियस की। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है तुम्हें पता है? एक एटम लिया है मैंने तो AAMU, कितना होता है मास एक एटम का? AAMU। वॉल्यूम क्या है? 4/3 × π × radius³। अब रेडियस तो निकाल चुके हो तुम न्यूक्लियस की, रेडियस कितनी निकाल चुके हो? आर नॉट ए की पावर। ओके, तो 3 ऊपर चला गया, 3 × A × AMU इज 1.67 × 10⁻²⁷ डिवाइडेड बाय 4 × π × radius का क्यूब इज आर नॉट का क्यूब। आर नॉट का क्यूब इज 1.1 × 10⁻¹⁵ का क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब इज ए। ए ने ए को मार दिया, बताओ वैल्यू क्या आती है? टेल मी द वैल्यू। अथर्व शेवाड़े गुड इवनिंग बेटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ डेंसिटी नाउ। यू कैलकुलेट इट एंड टेल मी द वैल्यू। इन फैक्ट यू कैन टेल द पावर एज वेल, पावर भी बता सकते हो, अप्रोक्सीमेट भी बता सकते हो। फटाफट बताओ वैल्यू क्या आएगी, just write it down and tell me the value, final value. हाँ, हम बोर का रेडियस वैसे तो यूज नहीं करते बेटा। और इनफैक्ट तुमने साहिल एक क्वेश्चन पूछा था ना लास्ट लेक्चर में, क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कि डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ यूज नहीं दिख रहा है बोल के, पर ना आज ही मैंने वो क्वेश्चन और लोगों के साथ भी डिस्कस किया तो उसमें ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग समझ में आ गया क्या है। एक बार वो भी मैं बता देता हूँ साहिल, कितना ऑर्डर कितना रहा है? 17 ना, तो अप्रोक्सीमेटली इसका ऑर्डर आ रहा है 17 kg/m³। 17 kg/m³ काफी बड़ा ऑर्डर है, राइट?
10 टू द पावर 17 आ रहा है ऑर्डर, ठीक है। सो 10 टू द पावर 17 केजी, थिंक अबाउट इट, बहुत ही जरूरी चीज है, इसके बिना ये टॉपिक में प्रोसीड नहीं कर सकता, इसको समझना, इसका फील लेना बहुत जरूरी है। देखो इसका फील क्या है, मान लो कि तुम्हारे पास 1 मीटर क्यूब का बक्सा है ना, सब लोग ध्यान दो, यू हैव अ बॉक्स ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर मतलब तुम्हें पता है 1 मीटर बहुत छोटा होता है डिस्टेंस, 1 मीटर का एक क्यूबॉइड है तुम्हारे पास, ठीक है ना, क्यूब है तुम्हारे पास, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर है। अगर ऐसा क्यूब न्यूक्लियस का साइज इस क्यूब के बराबर होता तो उसके अंदर 10^17 केजी हेवी वेट होता, कितना भारी है सोचो न्यूक्लियस, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10^17 केजी, अगर न्यूक्लियस की साइज बाय चांस 1 मीटर क्यूब के बराबर होती तो हम उठा ही नहीं पाते कभी न्यूक्लियस को, इतना हेवी हो जाता न्यूक्लियस। यू आर गेटिंग इट, समझ में आ रहा है तुम लोग को, फील आ रहा है कि न्यूक्लियस कितना हेवी है, कितना डेंसर है, उसमें अगर 1 मीटर क्यूब की साइज लू तो 10^17 केजी बैठ सकता है, तो न्यूक्लियस की साइज तो बहुत छोटी है, इसका मतलब उसमें कितने पैक्ड होंगे पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के अंदर स्टे कर रहे हैं वो कितने ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, है ना, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, राइट। सो बहुत ज्यादा क्लोज है तो दिक्कत क्या आ गई, देखो अभी क्या प्रॉब्लम क्या है, देखो ये सबने लिख लिया है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर स्टे कौन करता है, न्यूक्लियस किसका घर है, न्यूक्लियस किसका घर है, न्यूक्लियस किसका घर है भाई, न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कहीं प्रोटॉन होगा, कहीं न्यूट्रॉन होगा, कहीं न्यूट्रॉन होगा, कहीं प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह रहे हैं। न्यूट्रॉन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन है उसके आजू बाजू में। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी आई डोंट नो, बट थोड़ा बहुत तो बेसिक तुम्हें पता है कि अगर कोई दो चार्जेस है, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन एज R, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एज K × Q1 × Q2 / R। कैन यू कैन टेल दिस राइट, क्या वैल्यू होगा फोर्स का, K × Q1 × Q2 / R। अब अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन बहुत नजदीक है तो R का वैल्यू बहुत कम है तो फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ये करेंगे रिपेल एक दूसरे को, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, एंड इफ दे आर रिपेलिंग इच अदर, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर देम टू स्टे इनसाइड अ न्यूक्लियस एंड हाउ कम द न्यूक्लियस इज स्टेबल, दैट क्वेश्चन कम्स टू अवर माइंड कि न्यूक्लियस स्टेबल कैसा है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन आता है बड़ा दिमाग में कि स्टेबल कैसा है, इतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद भी न्यूक्लियस स्टेबल है। तो देखो यही है फिजिक्स, हम कैसे सोचते हैं फिजिक्स में रिवर्स, अरे भाई अगर आर कम है तो फोर्स तो ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए तो रिपल करना चाहिए एक दूसरे को, एक दूसरे को रिपल करना चाहिए तो न्यूक्लियस तो टूटने चाहिए, ऐसे फट 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 एकदम न्यूक्लियस टूट रहे, ऐसा हो रहा है क्या, इज इट हैपनिंग, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ऑफकोर्स ऐसा, राइट, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स तो है हमेशा, पर प्रोटॉन का चार्ज होने की वजह से उसमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। तो फिर हमने डिफाइन किया कि ऐसा हो रहा है तो इसमें जरूर कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा जो हमें दिखता नहीं, इट इज नॉट विजिबल टू अस, बट देयर इज अ फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड दैट फोर्स वाज डिफाइंड एज अ न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे समझते अपन फिजिक्स को, डिफाइन करते अपन चीजों को, हमें दिखा नहीं कुछ, हमने डिफाइन किया कि पक्का कोई फोर्स होगा जो उनको बाउंड करके रख रहा है, जो एक दूसरे को पकड़ के वो रह रहे हैं एक घर में रह रहे हैं जबकि उनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए, तो वो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स ड्यू टू विच न्यूक्लियस इज स्टेबल, न्यूक्लियस इज स्टेबल, न्यूक्लियस स्टेबल होने का जो रीजन है वो है न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज अपन लिखेंगे, पहले तो ये पूरा लिख लो, इसमें जो लिखना है तुम्हें लिख लो, न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, कब एग्जिस्ट करता है, इसका नेचर कैसा है, वो प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करेंगे, पहले इतना छापो। वही ना बेटा सुबोध, हमने डिफाइन किया न्यूक्लियर, सी वो कोलैप्स नहीं कर रहा है, ये नेचर है,
ये नेचर से हमने स्टडी किया कि न्यूक्लियस कोलैप्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब जरूर ऐसा कोई एक्स्ट्रा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा उनके पार्टिकल के बीच में, क्या नाम था, सुबोध। तो उस फोर्स को हमने डिफाइन कर लिया न्यूक्लियस, दिखा नहीं हमें कभी, ये हमने कभी देखा नहीं इसको, हमने डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन किया है? हमें डिफाइन करना पड़ा उनकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए। ओके ओके, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब इस फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये फोर्स एग्जिस्ट कहां कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं, इट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, इट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब बताओ, ये एक प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है, इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज अ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम, यस कर रहा है एग्जिस्ट इनके बीच में। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इनके बीच में भी ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, सारे पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है। एक है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का पेयर, इसमें भी ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके और इसकी वैल्यू डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, मतलब ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इक्वल है, ये भी जो फोर्स है वो इक्वल है। बस ध्यान रखना, प्रोटॉन और प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन था, मैं एफ ई लिख रहा हूं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को क्या लिख रहा हूं, एफ ई। अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो इसके एफ नेट को मैं 1 बोला, इसके एफ नेट को 2 बोला, इसके एफ नेट को 3 बोला। प्रोटॉन में तो 2 लग रहे थे, एक तो न्यूक्लियर भी लग रहा था और एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी हो रहा था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो होता नहीं है, अट्रैक्शन भी नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इनके बीच में बस न्यूक्लियर लगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगा। एफ नेट तुमने यहां का 1 बोला, यहां का 2 बोला, यहां का 3 बोला, बोलो कौन सा बड़ा है? कैन यू टेल मी द ऑर्डर, कैन यू टेल मी द ऑर्डर? साहिल का डाउट आया है, सर अगर ये पॉसिबल हो कि न्यूक्लियस के फोर्स को हम तोड़ सके, देन प्रोटॉन्स विल रन आउट एट द इनफाइनाइट स्पीड एंड इट विल कॉज अ ह्यूज एनर्जी एक्सचेंज एंड दैट विल बी प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। अगर ये पॉसिबल हुआ कि न्यूट्रॉन को, भाई ये पॉसिबल है, न्यूक्लियस टूटता है और न्यूक्लियस के टूटने की वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है, उसी को तो अपन न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियस का टूटना मिलता है, वही तो न्यूक्लियर वेपन में यूज करते अपन, वही तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज करते अपन, ठीक है? बोलो कौन सा बड़ा है? 3, 2, 1, जगजीत थोड़ा सोचो, 3 और 2 में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। फोर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 2 एंड इट इज ग्रेटर देन 1, ये रिलेशन आएगा जगजीत। 3 और 2 न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सेम है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है जगजीत, उनकी वैल्यू सेम रहती है, तो 3 और 2 तो इक्वल है, बस पहला फोर्स थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? चमका क्या सबको? आई एम टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स ऋत्विक। हाँ अब सही बोला जगजीत। अनिश 1 कैसे बड़ा हो जाएगा? अनिश 1 में तो रिपल्शन है बेटा। हाँ अनिश तुमने 1 को बड़ा बोल दिया, और किसने बोला 1 को बड़ा? अरे वेदांत कामड़े कैसे 1 को बड़ा कैसे बोल दिया? 1 कैसे बड़ा हो सकता है? रिपल्शन हो रहा है बेटा, घट जाएगा ना नेट फोर्स। तो है ना चमका, चलो बढ़िया चमका सबको, आगे बढ़ता हूं अब मैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, ये लिख लिया सबने। कोई बात नहीं बेटा वेदांत। ओके गाइस आई एम जस्ट रबिंग दिस ऑफ। ओके नेक्स्ट पॉइंट। अब ये फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपना अट्रैक्टिव था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे भी हो सकता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। बट इसको स्टडी करने के बाद ही हमारे बीच में भी फिर न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट होना चाहिए यार, हमारे बीच में भी होना चाहिए। हमने बोला किसी भी 2 पार्टिकल के बीच में होता है, लेकिन एक कंडीशन है, ये फोर्स तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब डिस्टेंस बहुत छोटा है, क्योंकि हमने डिफाइन किया न्यूक्लियस के अंदर, तो बाहर जैसे जैसे आ रहे हो ये फोर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है तो बहुत ज्यादा तेजी से अपना कोलिजन हो जाता है, पर ये बाहर नहीं है, बाहर नहीं आ रहा है, तो बेसिकली इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स,
इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इसका रेंज बड़ा छोटा है. ओके, इट डोमिनेट्स, इट ओनली डोमिनेट्स व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल is less than 10 to the power 14 meter. इस ऑर्डर का डिस्टेंस हो या इससे छोटा डिस्टेंस हो तो ही ये फोर्स डोमिनेट करता है. ठीक है, दूसरी चीज ये एक्सपोनेंशियल है, अगर डिस्टेंस घटता जाए तो ये फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है. एक्सपोनेंशियल फोर्स है, एक्सपोनेंशियल इन नेचर है, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो बहुत रैपिडली घटेगा. न्यूक्लियस के बाहर है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को लग ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं है ये फोर्स. जैसे तुम न्यूक्लियस के बाहर निकले गायब हो गए, एक्सपोनेंशियल इन नेचर. ओके, और क्या बोल सकते हैं इसको, इसको ये बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट रेंज है, एक्सपोनेंशियल है. शॉर्ट रेंज लिख दिया मैंने, एक्सपोनेंशियल लिख दिया, अट्रैक्टिव लिख दिया मैंने. ओके, और न्यूक्लियस इस फोर्स की वजह से स्टेबल है. चलो इतना काफी है इसमें. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, लिख लो ये सारे पॉइंट्स. फटाफट लिख लो. तो लोग करते क्यों नहीं है फ्यूजन, फॉसिल फ्यूल क्यों यूज करते हैं भाई, क्यों नहीं करते यूज? काफी कंट्रीज में न्यूक्लियर फ्यूजन से और फ्यूजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इतना आसान नहीं है, वो बहुत रिस्की होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर वेरी रिस्की. यू नो एक सीरीज बनाया तुम्हारा उसके ऊपर, एक 1986 आई गेस, इन 1986 यूएसएसआर में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, है ना. छोटी सी गलती थी, उस न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से आज भी वो सिटी लॉकडाउन है. हाँ, चेर्नोबिल, चेर्नोबिल नाम की एक सीरीज बनी है. तो मजाक नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है उसमें वो क्या करता है, अगर उसको तुम देखोगे तो एक्चुअली वो सीरीज बनाई है अमेरिका ने, तो थोड़ा बहुत तो अमेरिका के परसेप्शन से बनाया गया है, लेकिन रियलिटी में वो हुआ क्या था, उसका जो एक्चुअल रीजन था, जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं, वो कंट्रोल रॉड्स जब अंदर गए, वो कंट्रोल रॉड का जो टिप होता है उसका, उस टिप ने एक्चुअली रिएक्शन को इग्नाइट कर दिया, बढ़ा दिया. वो कंट्रोल कर, वो सप्रेस करने गए थे उसको और वो इग्नाइट हो गया तो ब्लास्ट हो गया, फट गया था वो रिएक्टर, ग्रेफाइट वगैरह बाहर आ गया था उड़ के पूरा. और जो फायर ब्रिगेड वाले थे उन्होंने, जिन्होंने ग्रेफाइट को हाथ लगाया था, जल गया था उनका हाथ, उनको पता ही नहीं था ये सारा चीज. और आज तक वो सिटी लॉकडाउन है, जितने लोग थे वो सारे मर गए कैंसर के वजह से मर गए. तो काफी रिस्की होता है. इनफैक्ट जापान मुझे लगता है ऐसी कंट्री है कि उसने तो नहीं बनाने का डिसाइड किया है ऐसा कुछ. ठीक है, सो ऐसा नहीं है, अपन यूज करते हैं उसको, लेकिन काफी कंट्रोल तरीके से यूज करना पड़ता है, काफी रिस्की होता है वो. ठीक है साहिल, चलो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया हमने, फिजिक्स भाई बोल दिया ऐसा है ना, ये रह रहा है ना स्टेबल, इसका मतलब क्या है कि एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया न्यूक्लियर फोर्स. अब दूसरा एक और प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया देखो, प्रॉब्लम ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगेन तुम एक चीज पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं एकदम पहले भी देखी हुई है तुमने, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ये फॉर्मूला तुमने पहले भी देखा हुआ है, कांस्टेंट इनटू क्यू वन क्यू टू बाय आर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, दीज आर टू पॉजिटिव चार्जेस, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इज वेरी हाई. पर व्हाट वी वांट फॉर स्टेबिलिटी, वी वांट फॉर स्टेबिलिटी कि भाई एनर्जी बहुत कम रहे, एनर्जी की वैल्यू बहुत कम रहे, स्टेबिलिटी ज्यादा होने के लिए एनर्जी कम चाहिए. लेकिन जब तुमने प्रोटॉन और प्रोटॉन का बात किया, देयर इज वेरी हाई एनर्जी बिटवीन देम एज दे आर बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव. तो स्टेबिलिटी के लिए यूजुअली अपन नेगेटिव एनर्जी डिफाइन करते हैं, जैसे कि तुमने देखा इलेक्ट्रॉन की बात की हमने. ओके, क्या बोल रहे हो, एक मिनट बेटा. हाँ श्रावा,
सर फ्रांस क्या बोला, फ्रांस डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियर पावर अप टू 99। हाँ देखो मैंने बोला था ना, देखो सस्मित का डाटा अगर एक्यूरेट है तो फ्रांस का 99% डिपेंडेंसी उसके ऊपर है, न्यूक्लियर पावर के ऊपर है। तो इनफैक्ट उनके कंट्रीज में ऐसे लोड शेडिंग वगैरह होती ही नहीं है, लाइट जाती नहीं है। खैर अपने मुंबई में भी नहीं जाती है, पर मुंबई के अलावा बाकी सिटीज में जाती है, जैसे कि अभी मेरे घर में गई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमारे पास के जो रिसोर्स है, हम वाटर को टरबाइन के ऊपर चला के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल का यूज करके कर रहे हैं, तो काफी पुरानी तरीके से यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियर से नहीं ज्यादा प्रोडक्शन होता है अपना, लेकिन काफी कंट्रीज का उससे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, खैर उस पर डिस्कशन करने के लिए काफी कर सकते हैं, लीव इट, हमारे काम की चीजें समझते हैं अपन। और कुछ डाउट तो नहीं है ना तुम्हारा? एक्सपोनेंशियल वाला बताओ ना। अरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है ना कि कम बढ़ा तो ज्यादा चेंज आया, डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है तो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता है, और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फोर्स बहुत ज्यादा घट जाता है, उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं बेटा। हाँ ठीक है, चलो अभी ध्यान दो उस पर नहीं जाते, अगेन अपने काम की चीजों को पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच ले लेना, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा जो प्रॉब्लम अराइज हुआ था वो ये अराइज हो गया कि भाई तुम्हारी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के लिए तो एनर्जी कम होनी चाहिए, और प्रोटॉन के बीच में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा है। फिर क्या हुआ, प्रैक्टिकली क्या देखा गया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने देखा कि एक न्यू एक एक्स जेड ए एक एलिमेंट है, इसके दो टाइप के मास हमने निकाले। थोड़ा लैग हो रहा है, ओके एक मिनट रुकता हूं मैं, थोड़ा लैग हो रहा है कह रहे ये लोग। अभी ठीक है बेटा, ओके नो लैग, ओके गाइस। तो हमने क्या देखा, देखो एक जेड ए एलिमेंट था, इस एक्स जेड ए एलिमेंट के मास को मेजर करने की कोशिश करी। मास को मेजर करने के दो तरीके थे, एक तो था थ्योरेटिकल मेजरमेंट, एक था प्रैक्टिकल मेजरमेंट। ओके तो सबसे पहले थ्योरेटिकली मास को कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, सो मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल निकाला गया, देखो समझो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकल। तो मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल कैसे निकलेगा, इसमें कितने प्रोटॉन है, जेड प्रोटॉन है उनका मास, जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, तो ए माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तुम्हारा क्या था, मास ऑफ न्यूक्लियस थ्योरेटिकल। ओके सो थ्योरेटिकल मास निकालने के बाद चेक किया कि प्रैक्टिकल मास से ये मैच होता है कि नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भाई प्रैक्टिकली कैसे मास निकालोगे, तुमने एक एलिमेंट लिया उसको वेइंग मशीन में मेजर किया, छोटा सा एलिमेंट लिया, कुछ मोल्स लिए उसके वेइंग मशीन में मेजर किया, वेइंग मशीन में मेजर करने के बाद तुमने क्या किया, उस एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उसको घटा दिया। न्यूक्लियस का चाहिए, ध्यान रखना किसका मास चाहिए, न्यूक्लियस का, तो तुमको इलेक्ट्रॉन के मास को हटाना पड़ेगा। तो तुमने इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दिया और तुमने प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली न्यूक्लियस का मास निकाला। तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकल, ओके प्रैक्टिकल मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ एटम, कैपिटल एम इज नथिंग बट मास ऑफ एटम, माइनस उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेटेड द मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल मास निकाला, थ्योरेटिकल मास निकाला, देन यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। एक्चुअली जो थेरोटिकल मास है वो कुछ ज्यादा निकल के आ रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली मास कम था। मैं अगर इसको बोलू ये मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकल है, तो मैंने MNP लिख दिया इसको, और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस थेरोटिकल, MNT लिख दिया। एंड इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंड दैट कि जो थेरोटिकल मास है वो ज्यादा है, जो हमने थेरोटिकली निकाला था मास ऑफ न्यूक्लियस थेरोटिकल वॉज फाउंड टू बी ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकल, देर इज अ मास डिफेक्ट। तो आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग मास डिफेक्ट जो है, जो मास गायब हुआ है, वो अपने साथ एनर्जी लेके चला गया होगा और उसने इसकी एनर्जी को कम कर दिया होगा, उसी उसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी।
ओके एंड दैट मास दैट डिफेक्ट इन द मास इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. तो इस टॉपिक का नाम है तुम्हारा मास डिफेक्ट. पहले तो इतना लिख लो, उसके बाद अपन मास डिफेक्ट का एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं. फटाफट लिख लो बेटा, इतना लिख लो. जिसको भी लैग लगता है ना, फटाफट रिफ्रेश कर लिया करो पेज को. फटाफट लिख लो इसको, मैं पानी पीता हूं. तो होप कि सबने लिख लिया होगा. सर मास लेके जाता है या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? वो जो मास चला गया वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ बेटा. वॉचिंग दिन भर दिन काम होती कर रहा है क्या है पीयूष झा, व्हाट इज दिस, डोंट कमेंट लाइक दिस. ठीक है सुबोध, अभी समझो सबने लिख लिया है, मैं आगे बढ़ता हूं. So basically, what we found out that mass of nucleus theoretical was greater than the mass of nucleus practical. इसमें जो defect आया, this difference in a mass, that is mass of nucleus theoretical minus mass of nucleus practical, is called as, is termed as mass defect. And mass, Einstein की mass energy equivalence के according, ये mass जब जा रहा है, तो एक energy लेके जा रहा है अंदर से एक. Okay, so this is mass defect, which is nothing but क्या बोल सकते हैं इस mass defect को, delta m is equals to theoretical mass. Theoretical mass क्या था, z times mass of proton plus a minus z times mass of neutron minus mass of atom minus z times mass of electron. ये था तुम्हारा mass defect, right? So ये mass defect जो आया, ये mass nucleus theoretical था, ये mass of nucleus practical था. इसमें जो defect आया, इसको तुमने mass defect नाम दिया. अब ये इसके साथ जो energy लेके जाता है, उस energy को तुम कहते हो binding energy. उस energy को क्या कहते हो तुम, binding energy. देखो binding energy का definition समझते हैं सबसे पहले तो. What is the definition of binding energy? Okay. So देखो, अगर ये मास अपने अपने साथ एक एनर्जी लेके नहीं जा रहा है या वो निकल नहीं रहा है, तो क्या होता, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता, टूट जाता. तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि वापस अगर तुम उतनी एनर्जी दे दोगे तो न्यूक्लियस तो पक्का टूटने वाला है. सो व्हाट इज इट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू द
न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स में ब्रेक करने के लिए इनटू द न्यूक्लियॉन्स। और दूसरी चीज ये भी बोल सकता हूं कि इस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर एनर्जी बाहर नहीं जाती तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फॉर्म होते समय ये एनर्जी चली गई, इसलिए मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा हूं। दो डेफिनेशन इसकी आती है, दो डिफरेंट तरीके से, एक तो तुम दो तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाए, या तो फिर ये एनर्जी बाहर निकले तो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं जब अपन, तो डेल्टा एम हो जाता है तुम्हारा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर की वैल्यू तुम लिख सकते हो, लेकिन डेल्टा एम की वैल्यू तुम्हारे पास जो आती है वो यूजुअली एएमयू में आती है, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा एम को तुम अगर डायरेक्ट एएमयू में लिखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा एम इन ए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बेटा लिख लो, ये निकल गई तुम्हारी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, बीई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीई, बाइंडिंग एनर्जी, कम्स आउट टू बी डेल्टा एम इन एएमयू मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर बट व्हेन वी नो कि दैट मास इज थ्योरेटिकल, देन व्हाट प्रूफ वी हैव दैट सच मास डिफेक्ट एग्जिस्ट। सी, प्रूफ यही था ना अपना कि हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली निकाला, मैच होना चाहिए था, जो हम बोल रहे हैं उतना ही मास होना चाहिए था न्यूक्लियस का, और उतना निकल के नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो मास गया। वो मास गया तो उसका सिग्निफिकेंस देखने के लिए अब और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी देख सकते हैं, जा रहे कि नहीं जा रहा, एनर्जी दिखेगी, कैसे दिखेगी, क्या दिखेगी, वो भी अपन देखते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया तुम्हें इस टॉपिक के एंड में आएगा कि कैसे मास को जा रहे कि नहीं जा रहे वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। डीकेज में थोड़ा सा देखेंगे अपन। हाँ साहिल, पूछ सकते हो तुम तुम्हारा डाउट, पहले तो ये लिख लो, फिर यू कैन आस्क मी योर डाउट। थोड़ा थोड़ा थेरी है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे इसका स्टार्टिंग में, लेकिन थेरी है इसका। डेल्टा एम मेरे हिसाब से कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर मास ही डिफरेंट आ रहा है प्रैक्टिकली, इसका मतलब है कि आपकी थ्योरेटिकल मेथड ही रॉन्ग है। तो डेल्टा नहीं बेटा, थ्योरेटिकल मेथड रॉन्ग कैसे हो सकती है? अगर तुमने न्यूक्लियस में आइडेंटिफाई किया है कि न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का तुम मास भी उनके आइडेंटिफाई कर चुके हो, एक्चुअली कर चुके हो, लेकिन वो बराबर नहीं निकल के आने का, यही तो सेंस बनता है कि पक्का कुछ मास जा रहा है, एनर्जी के फॉर्म में जा रहा होगा। इसीलिए तो सी दो चीजें थे, दो लॉजिक को एक साथ कंबाइन किया, एक तो मास डिफेक्ट आया एक्चुअल में आया मेजर करने के बाद, दूसरी बात कि हम ये भी कंफ्यूज थे कि यार ये इतना स्टेबल कैसे हो सकता है न्यूक्लियस, अगर उसके अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन रह रहे हैं तो उनकी एनर्जी तो काफी ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, पर स्टेबिलिटी की अपन निगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, कम एनर्जी की बात करते हैं, उन दोनों को कंबाइन किया ना हमने, ऐसा सोचो ना। यस, मास इज गेटिंग कन्वर्टेड। चलो लिख लिया क्या? रिफ्रेश कर ले बेटा। अरे यार रिफ्रेश कर लो यार, क्यों लैग आ रहा है इधर? कनेक्टिविटी मेरी चेक कर रहे हो तो एकदम हाई स्पीड दिखा रही है। सी स्क्वायर को कैसे रिप्लेस कर लिया, उसका डेरिवेशन भी बताओ। चलो बता देता हूँ, डेरिवेशन चाहते हो? देखो देखो करते हैं, डेरिवेशन भी करते हैं। मेबी हो भी सकता है, पता नहीं, इधर बारिश हो रहा है। चलो डेरिवेशन भी बता देता हूँ तुम लोग को, कैसे किया मैंने वो 931.5 कैसे लिखा, या 931 कैसे लिखा। देखो
मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर मतलब 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर. इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा एम इन केजी है यहाँ पे फिलहाल, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ जूल्स, ये जूल्स में आ गया. पहली बात तो लेट्स कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डेल्टा एम इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 9 × 10⁻⁶. तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स, राइट. अब इस एक जूल के बदले तुम लिखना चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन. ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अब यूजुअली तुम्हारा जो डिफेक्ट आता है, ओके यूजुअली जो तुम्हारा डिफेक्ट आता है, अरे मैं महाराष्ट्रीय हूं भाई, साउथ में क्यों हूं, इधर देखो. तो यूजुअली ये ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ध्यान दो गधो, ठीक है. सो डिस्टर्ब करते हो अननेसेसरी, इधर देखो चुपचाप. तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले तुमने क्या किया, जूल को कन्वर्ट किया 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹ से, ठीक है. अब तुम्हें मास को रखना होता है एएमयू में, क्योंकि तुम्हारा मास बहुत ही कम डिफरेंस एएमयू में होता है यूनिट उसका, यहां लिख रहे हो तुम केजी में. अब मान लो तुम्हें 4 AMU उसने मास पुट करने को बोला, तो तुम्हें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो एएमयू को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 × 10⁻²⁷ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम बाद में मल्टीप्लाई करें, इससे अच्छा तो हम पहले ही मल्टीप्लाई करके रख देते हैं. तो फिर क्या करो, डेल्टा एम इन एएमयू को रखो, मल्टीप्लाइड बाय करो 1.67 × 10⁻²⁷ से, मल्टीप्लाइड बाय ऑलरेडी ये वाला फैक्टर है तुम्हारा 9 × 10⁻¹⁶ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹. अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब तुम 10⁶ को बाहर निकाल रहे हो एक्स्ट्रा. अब ये सब कुछ करने के बाद ये आता है कुछ ऐसा, चमका ले डेरिवेशन भी दे दिया तुझे, खुश. थोड़ा सा पॉइंट मिल जाता है, शुरू हो जाता है बकर करना. अबे इधर फोकस करो भाई, जेई निकालना है, सीटीवीटी एग्जाम नहीं देना है हमें, है ना, कि हाँ एक दो महीना पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पूरा पढ़ना पड़ता है ना. ध्यान दो पूरा अच्छे से, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है हमें. जल्दी जल्दी करो इसको, कार्टून लोग. चलो लिख लो फटाफट, समझा तुम्हें कहां से आया वो. रिफ्लेक्शन के लिए कुछ करूं, ठीक है, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, वो लाइट आ रहा है. हाँ चलो ऐसे, चलो लिखो. लिखो अच्छा ऐसा क्या, चुपचाप लिख ले, ज्यादा होशियारी मत कर, फिजिक्स सिखा रहा है, डाइवर्जिंग लेंस लगा लो. हाँ डन, चलो बढ़िया. अब देखो, अब स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा निकली उसका ज्यादा होगा, क्या डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा निकली बाहर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, कैन वी से दैट. देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ता जाएगा, तो तुम डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी पे स्टेबिलिटी कमेंट नहीं कर सकते हो. तुम्हें स्टेबिलिटी देखनी है तो तुम्हें देखना पड़ता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पर यूनिट, पर पार्टिकल न्यूक्लियॉन अगर ज्यादा हो तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा स्टेबिलिटी भी ज्यादा है. खाली बाइंडिंग एनर्जी से स्टेबिलिटी नहीं बताया जाता है,
तुम्हें क्या चेक करना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन मतलब कितने न्यूक्लियन है भाई टोटल? टोटल न्यूक्लियन है ए के बराबर। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, अगर ज्यादा है तो तुम्हारी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद हमें समझना है नेक्स्ट चीज, कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व हम समझेंगे। देखो, एक कर्व बनाया गया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का एक कर्व बनाया गया, स्टेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं या बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बोलते हैं। ये बनाया गया तुम्हारा ए वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऊपर, ठीक है? ए और जेड भी लिख दो, सेम ही टाइप का कर्व आएगा ऑलमोस्ट। एक कर्व बनाया गया, एक काम करो सब लोग, एक मॉड्यूल एक बार मॉड्यूल खोल लो, ये ऊपर का लिख लो और मॉड्यूल खोलो, मॉड्यूल में कर्व होगा तो ज्यादा बेटर वे में हम समझ पाएंगे इस चीज को, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रॉइंग इट ऑन बोर्ड। सब लोग मॉड्यूल खोल लो, मॉड्यूल में कर्व होगा अपने गिवन। मैं बता रहा हूं तुम्हें पेज नंबर, तुम खोलना। हाँ, यस यस, देयर इट इज, सॉरी, हाँ यस इट इज देयर, पेज नंबर 293 खोलो, पेज नंबर 293 खोलो सब लोग। ऊपर वाला पॉइंट लिख के सब लोग पेज नंबर 293 खोलो, सब लोग ओपन करो पेज नंबर 293। या सो देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। ओके, इस कर्व में देखो जरा तुम अच्छे से, ये क्या किया तुमने, ए के वर्सेस वर्सेस ए तुमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट किया। जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। अब इस ग्राफ में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है जरा बता दो, जरा बता दो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसने एलिमेंट का नाम नहीं दिया क्या? वो Fe होता है बेटा, जिसका 8.5 लिखा है ना ऑलमोस्ट, वो होता है Fe, लिख लो, ठीक है, लिख लो। वो क्या होता है, सबसे ऊपर जिसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, एटम का स्टेबिलिटी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इट इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, लिख लो चाहे तो, गधे हो तुम, बाद में बोलोगे एटम कहां Fe का स्टेबल है, ये न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी है। किसका स्टेबिलिटी है? न्यूक्लियस का। उधर लिखा नहीं है तो वो Fe लिख लो, Fe का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। ओके, समझ में आया सबको? 8.55 के आसपास उसने दिया, 8.5, ठीक है। अब देखो जो Fe के आसपास होते हैं, तुमने कर्व देखा, ये कुछ ऐसा कर्व है, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ हो रहा है, एक्सरे की तरह ही दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये वाला तुम्हारा Fe है। अब जो इसके आसपास होते हैं, इसके जो आसपास है एकदम आसपास, ये वाले सारे है ना, ये तुम्हारे स्टेबल न्यूक्लियस है। इसके आसपास उसने दिया है, देखो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 50-80 के बीच में होता है वो स्टेबल है। वो कैसे न्यूक्लियस है? स्टेबल 50-80 के बीच में, 50-80 इसका कहा है एटॉमिक मास नंबर क्या है इसका, इसका 60 के आसपास है लगभग, इनफैक्ट 56 होता है ना शायद Fe का, ये 60 के आसपास है, इसका सबसे ज्यादा है। और इसके जो आसपास वाले न्यूक्लियस है ये सारे स्टेबल है, लेकिन इधर वाले स्टेबल नहीं है, उधर वाले भी स्टेबल नहीं है। देखो अभी कुछ पिक्स दिख रहे हैं तुम्हें, इस कर्व को बनाना है तुम्हें नोटबुक में, ये पिक्स दिख रहे हैं। ये पिक्स क्या बता रहे कि भाई इसके बाजू वाला जो है उससे ये ज्यादा स्टेबल है, इसके जो बाजू वाले है इससे ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तुम देखो जरा, कार्बन पिक पे दिख रहा है, ऑक्सीजन पिक पे दिख रहा है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 5 किसका है, 5 किसका एटॉमिक नंबर बोलो, या 7 किसका है बोलो, 5 एंड 7 एटॉमिक नंबर, 5 एंड 7 किसका है बोलो। देखो कार्बन पिक पे दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है, कैन यू टेल मी द एटॉमिक नंबर 5 किसका है और 7 किसका है? बोरॉन का 5 है, यस, बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन का 7 है। तो देखो वो थोड़ा सा इससे कम स्टेबल है, कार्बन का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए वो पिक देता है। इनफैक्ट तुम देखोगे तो बेरिलियम का न्यूक्लियस भी ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए वो पिक देता है, ठीक है ना। इनके न्यूक्लियस कंपेरेटिवली उनके आजू बाजू वाले के से ज्यादा स्टेबल इसलिए वो पिक दे रहे हैं। ये एक चीज समझनी हमें ग्राफ से। दूसरी चीज, अब ये जो छोटे एटॉमिक ए नंबर वाले है ये क्या करते हैं ना, इधर जाना चाहते हैं और ये भी इधर आना चाहते हैं, ज्यादा ए वाले इधर आना चाहते हैं, कम ए वाले भी इधर जाना चाहते हैं। अब इनको इधर जाने के लिए जुड़ना पड़ेगा, अपने ए को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, अपने ए को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, अपने मास नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। अपने मास नंबर को बढ़ाने के लिए वो ऐड करते हैं दूसरों के साथ और ये दिखाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन।
ये कौन सी रिएक्शंस दिखाते हैं? फ्यूजन, और ये दिखाते हैं फिजन, इनको टूटना पड़ता है, तो इसलिए ये करते हैं न्यूक्लियर फिजन, और इधर वाले करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। बात समझ में आ रही है? जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर कम होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन करके दूसरों के साथ कंबाइन करके उधर की तरफ जाते हैं। जिनका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होता है, वो न्यूक्लियर फिजन करके इधर आते हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी किसकी है? ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इट इज अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। ये कर्व बना लो और दो तीन पॉइंट जो है नीचे के छाप लो, छापो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट करो। फटाफट करो, फिर आगे बढ़ते। इसी कर्व का दूसरा फॉर्मेट पढ़ते, दूसरा फॉर्मेट नहीं दिया क्या बुक में? डन बेटा? नहीं साहिल, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है वैसा कुछ। न्यूक्लियस का अलग कहानी है पूरा। हाँ पॉइंट्स लिखने थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, ये बोर्ड से अच्छा वहां पे लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने वहां से लिखने को बोले तुम लोग को। तुमको समझ में आ गया लॉजिक, फ्यूजन कौन करता है और फिजन कौन करता है? ओके गाइस, आगे बढ़ू मैं। ओके, इसी कर्व का एक और फॉर्मेट होता है। इसी कर्व को अगर तुमने न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन के वर्सेस प्लॉट किया, सबको अगर तुमने न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन के वर्सेस प्लॉट किया, ओके, अगर इसी कर्व को तुम प्लॉट करना चाहते हो एन वर्सेस जेड, ये जेड है, तो तुमने देखा कि जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो कुछ इस बेल्ट में आते हैं। ये जो बेल्ट है यहाँ पे, जिसके पास SCV है ना वो देख सकता है, जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो इस बेल्ट में आते हैं, उनके न्यूक्लियस एन बाय जेड का रेशियो यहाँ लाई करता है, ओके, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट, है ना। इनको क्या क्या कहा जाता है? इस बेल्ट को कहा जाता है स्टेबिलिटी बेल्ट, मतलब जो स्टेबल नहीं हो यहां से यहां जाना आना चाहेगा या यहां से यहां जाना चाहेगा, उसके लिए या तो वो फ्यूजन करेगा या तो फ्यूजन करेगा। तो जिसका एन बाय जेड रेशियो इस बेल्ट में लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, वो स्टेबल है। जिसका नहीं लाई कर रहा है वो अनस्टेबल है, और वो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं वो इधर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं यहाँ पे, वो कहानी है अपनी, अगले पॉइंट न्यूक्लियर फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसकी कहानी है। यहां तक हमने क्या समझ लिया? बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट समझ लिया है और बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझ लिया है, ठीक है। एक और कर्व है, अगर तुम्हारे पास SCV होगा तो उसमें एग्जैक्ट कौन सा एलिमेंट इसमें लाई करता है वो भी उन्होंने बताया है SC वर्मा में, अगर तुम देखोगे तो। पेज नंबर तो बेटा मुझे नहीं पता है, तुझे देखना पड़ेगा, दिख जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में, दिख जाएगा तुझे। साहिल तू क्यों कंफ्यूज हो गया? यस वेरी गुड बेटा, अद्वैत सही कह रहे हो, इसीलिए यूरेनियम कन्वर्जन करता है, इसीलिए वो रेडियोएक्टिव कहा जाता है, इसलिए वो टूटता है खुद के न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। सही कह रहे हो बिल्कुल साहिल, न्यूक्लियस का स्टेबल होना बहुत अलग चीज है, एटम का स्टेबल होना अलग चीज है। एटम का स्टेबल होना इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस का स्टेबल होना न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है पर न्यूक्लियॉन। 423 पेज नंबर बोला है अद्वैत ने, तो 423 पेज नंबर पे तुम देखोगे तो इसी कर्व का जो पहला कर्व बना था उसी का दूसरा फॉर्मेट है, एन बाय जेड के रेशियो के ऊपर बनाया है, जो भी स्टेबल होगा इसमें लाई करेगा, ठीक है। समझ में आया सब लोग को? जिसको भी समझ में आया, अब थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मॉडल में होंगे वो सॉल्व करते हैं। मुझे दिख रहा है कि शायद 1 अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करते हैं 1 से पहले ना अपन 5th कर लेते, 5th तो दिख रहा है कि ये सॉल्व कर सकते हैं अपन। काम करो सब्जेक्टिव क्लास वर्क मॉड्यूल 4, लास्ट मॉड्यूल है मॉडर्न फिजिक्स का मॉड्यूल 4, इसमें सब्जेक्टिव का क्लास वर्क का प्रॉब्लम नंबर 5 मुझे पहले करके बता दो, प्रॉब्लम नंबर 5 मुझे पहले करके बताओ। बाइंडिंग एनर्जी इसने पूछी है, निकाल के बता दो मुझे बाइंडिंग एनर्जी।
बेटा न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है, वो वाली स्टेट है। एटम जो बना है, एटम में न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना, न्यूक्लियस का बनना, ठीक है ना, न्यूक्लियस का स्टेबल रहना मतलब न्यूक्लियस का बनना। यूरेनियम को देख, तो यूरेनियम बनते ही टूटने लग जाता है, क्यों, स्टेबल ही नहीं है वो। यूरेनियम टूट रहा है, कंटिन्यूअसली टूट रहा है नेचर में, जब जहां पर भी वो है, ठीक है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर तू कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसका न्यूक्लियस स्टेबल हो चुका है, वो स्टेबल न्यूक्लियस है उसका, वो टूटेगा नहीं। कार्बन बहुत स्टेबल एलिमेंट है, राइट, स्टेबल एटम है। लेकिन अगर तू कार्बन को Fe से कंपेयर करेगा तो न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली Fe का न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। समझ पा रहा है बेटा? तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अलग चीज है और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी अलग चीज है। डोंट मिक्स देम टुगेदर। तो क्लास वर्क सब्जेक्टिव फिफ्थ ट्राई करोगे तुम लोग अभी फटाफट? क्लास वर्क सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कम ऑन गाइज। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन, मास ऑफ हीलियम इज गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। आ गया क्या आंसर? देखो, हेलियम से हेलियम 2+ बनाना है, और क्या बोला है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ऐसा बोल सकता हूं कि हेलियम से हेलियम 2+ बना। ओके, हेलियम से हेलियम 2+। अब इसका मास निकालने के लिए क्या है, इसमें 4 times मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकता हूं। और यहाँ पे भी क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हाँ ऐसा नहीं करते, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो है हेलियम के एटम का मास गिवन, हेलियम के एटम का मास क्या गिवन है, हेलियम एटम इज इक्वल टू 4.00260। अब एक काम क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास घटाना पड़ेगा, पर इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल है, तो चिल्क इतना तो बहुत ही कम वैल्यू होगा उसका, तो उसको घटाने का कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं है। अब बात करते एक्चुअल मास की, एक्चुअल मास में 2 प्रोटॉन है और 2 है तुम्हारे न्यूट्रॉन, इनका मास जोड़ो, इससे देखो क्या आता है, इनका डिफेक्ट निकालो, इसके डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो एटम से किसका निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना पड़ता है मतलब माइनस करना पड़ेगा जेड टाइम्स, जेड है इसका 2 × 9.1 × 10⁻³¹ करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही निग्लिजिबल वैल्यू होगी, ठीक है। इनफैक्ट ये केजी में है, ध्यान रखना है, केजी में है और ये एएमयू में है, इसको केजी को एएमयू में कन्वर्ट करके फिर माइनस करना पड़ेगा अगर वो निकालना चाहते हो तो, ठीक है। तो होप कि तुम्हारा आंसर आ गया है इसका, पहले का, पांचवे का, जिसका पांचवा हो चुका है। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लो, मुझे लग रहा है 1 भी हो जाएगा अपना, 2 भी हो जाएगा, 3, 4 भी हो जाएगा, 5 तक सारे कर लो, 1 to 5 सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, 5th के बाद 1 पे आ जाओ, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो, 1, 2, 3, 4 करो, फटाफट करो, करो फटाफट, सॉल्व देम ऑल क्वेश्चंस 1, 2, 4।
बेटा फिफ्थ में एक तो हेलियम है, हेलियम के डायरेक्ट एटम का मास दिया उसने। देखा जाए तो हेलियम के एटम में से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को अगर मैं नेग्लिजिबल मानता हूँ तो उसका डायरेक्टली मास गिवन है। दूसरा क्या तरीका है मास निकालने का, अभी हमने पढ़ा था कितने प्रोटॉन है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करो, कितने न्यूट्रॉन है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करो। प्रोटॉन का मास मतलब हाइड्रोजन एटम का मास दिया है उसने, देखो एच एटम का मास वो दिया है उसने। अब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, इससे एक मास आएगा। इन दोनों में डिफरेंस लो, वो एनर्जी गायब हो चुका है, उसके डिफरेंस को 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, मास डिफेक्ट इन एएमयू इन 931, तो आंसर तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ओके फिफ्थ आ गया ना बेटा, फॉर्मूला देखो फिफ्थ के लिए ऋषभ। चलो फर्स्ट करो, ओके फर्स्ट हो रहा है, फिफ्थ तो सबका हो गया ना। ओके फर्स्ट क्या बोल रहा है देखो, अ रेडियो एक्टिव सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर इज गिवन। एक काम करता हूं रेडियस लिख लेता हूं मैं। ओके emits beta particles at a constant rate of this. अरे यार ये क्वेश्चन के लिए बीटा पार्टिकल बताना पड़ेगा, रुको ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ दो क्योंकि मैंने बीटा पार्टिकल नहीं बताया, तो मैं अभी पढ़ाऊंगा मैं बीटा डीके, है ना, ये रहने दो बेटा, फर्स्ट मत करो, बीटा पार्टिकल दिया उसने, कोई और देता तो कर लेते अपन। सेकंड करो, बीटा पार्टिकल पढ़ाने के बाद फर्स्ट करेंगे फिर से ट्राई, थोड़े क्वेश्चंस करने के बाद मैं जाऊंगा डीके इसके तरफ, अल्फा बीटा एंड गामा डीके, डीके के बारे में पढ़ेंगे अपन अभी। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर न्यूक्लियस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सेकंड हो गया सबका है ना, एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24, जेड इज 11, ए इज 24, न्यूट्रॉन इज 13 होगा, प्रोटॉन इज 11 होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो 11 होगा। ओके थर्ड करो, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, वन पेंडिंग है अपना, पेंडिंग है बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, या 2 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल अबाउट 3 न्यूक्लियाई पी क्यू एंड आर, अरेंज देम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। You know that stability के लिए तुम्हें binding energy per nucleon देखना है, तो बस उस concept को apply करके तुम इसका answer भी बता सकते हो। Stability higher किसकी होती है, जिसकी binding energy per nucleon ज़्यादा होती है। Stability higher किसकी होगी, binding energy per nucleon, that is A, ये ज़्यादा होनी चाहिए। देखो और बताओ answer मुझे। 2, 3, 4 हो गए, बहुत बढ़िया, 3 भी हो गया सबका, चलो 4 भी हो गया है। उसके बाद मुझे दिख नहीं रहा है तुम कुछ सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो, 20 जिसका हो गया ना, 20 ट्राई करो, थर्ड तो हो गया है सब लोग का, किसी को डाउट नहीं है ना,
यस जगजीत, बिल्कुल सही कह रहे हो। 20 ट्राई करो, 20 कर सकते हो तुम। गाइस प्लीज ट्राई 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, सॉल्व हो सकता है, बाकी तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और थ्री डन है। फोर्थ, फोर्थ क्या था भाई? फोर्थ भी निपटा दो। फोर्थ क्या था? अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन एज ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ ए बी सी डी आर गिवन एज बी वन बी टू बी थ्री एंड बी फोर। फाइंड द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। एकदम ही आसान है। बी वन प्लस बी टू माइनस बी थ्री माइनस बी फोर, ऐसे होगा ना? बाइंडिंग एनर्जी इंडिविजुअल की दी हुई है, टोटल रिलीज कितनी होगी वो देखनी है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बी वन प्लस बी टू और बी थ्री प्लस बी फोर का डिफरेंस। करेक्ट है बिल्कुल। बी वन और बी टू का एडिशन और बी थ्री और बी फोर का एडिशन और इसका डिफरेंस। ओके बेटा, चलो फोर्थ भी हो गया है तो फाइव तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन 20 कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन न्यूक्लियर डीके के बारे में। डीके पार्टिकल क्या क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। हो गया है 20 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। ऋषभ, फ्यूजन तब होता है जब तुम्हारा एटॉमिक मास नंबर उस 30 से छोटा हो, और फिजन तब होता है, टूटता तब है जब 80 से बड़ा हो एटॉमिक मास नंबर। उस ग्राफ को देखो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार ग्राफ को देखो। टूट के तुम्हें कहां जाना है या जुड़ के तुम्हें कहां जाना है? स्टेबिलिटी रीजन में जाना है। अच्छा 20 डन, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ता हूं फिर मैं। 20 भी हो गया है सबका, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब लिखो रेडियो एक्टिविटी, हेडिंग लिखो रेडियो एक्टिविटी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। 20 इजी था, सबका हो गया है, तो मैं लिख रहा हूं हेडिंग रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है ना, टूटने वाली प्रोसेस को समझते हैं अपन। जो न्यूक्लियस टूटता है उसकी प्रोसेस को अपन समझते हैं। टूट के क्या क्या करता है, कौन से पार्टिकल को रिलीज करता है, उसके बारे में जो स्टडी है वो रेडियो एक्टिविटी में करता है। सब लोग डेफिनेशन लिख लो। द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, द फिनोमिना of spontaneous disintegration. Okay, the phenomena of spontaneous disintegration, spontaneous disintegration of nucleus. टूटने वाली प्रोसेस में जो स्पॉन्टेनियस टूटता है न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होने की वजह से, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट्स इसमें इमिट होते हैं उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिख लो। The elements which are emitted in the process are called as radioactive elements. The phenomena of spontaneous disintegration. देखते हैं अभी केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, पता चलेगा तेरे को। रुक थोड़ा, इतना नहीं पढ़ा होता तो रिएक्शन लिख लेते, लेकिन अब उसके पीछे का क्या फिजिक्स। गुड इनफ, ओके ओके।
ओके गाइस, काफी लोग का मुझे मैसेज आ रहा है कि क्लियर है. ओके, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग नाउ. ये तो सबने लिख लिया था डेफिनेशंस. नाउ हाउ मेनी पार्टिकल्स आर इमिटेड इन अ रेडियो एक्टिविटी, कितने एलिमेंट्स इमिट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन अपन करते हैं. ओके, सब लोग आ गए अभी, 56 है. ओके, चलो एक 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 मिनट वेट करते हैं, शायद कुछ लोग और आ जाएंगे. ओके, ओके बेटा, चलो शुरू करते हैं. देखो होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल इमिट होते हैं. तो तीन टाइप के बेसिकली डीके अपन तोड़ देते हैं. डीके को तीन टाइप ऑफ डीके में, थ्री टाइप्स ऑफ डीके. सबसे पहला डीके होता है अल्फा डीके. क्या है पहला डीके? फर्स्ट डीके इज कॉल्ड एज अल्फा डीके. नाउ अल्फा डीके में तुम्हें पता है क्या होता है अल्फा पार्टिकल? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ओके हमने पढ़ लिया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है. इट इज नथिंग बट हेलियम का न्यूक्लियस है. हेलियम के न्यूक्लियस को अपन अल्फा पार्टिकल बोलते हैं. हेलियम का न्यूक्लियस है, तो हेलियम का न्यूक्लियस जो होता है उसका मास कितना होता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होने की वजह से मास हो गया. चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन. ये हो गया तुम्हारा अल्फा डीके में. ओके, ये हो गया अल्फा डीके का कहानी. अब बात करते हैं बीटा डीके की. बीटा डीके में दो टाइप के डीके होते हैं. एक होता है बीटा प्लस डीके, एक होता है बीटा माइनस डीके. बीटा प्लस एंड बीटा माइनस. बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन इमिट करता है. क्या इमिट करता है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ तुम्हें पता है. बीटा प्लस डीके की बात करते हो, एक नया पार्टिकल तुम पढ़ोगे, पॉजिट्रॉन. इसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन. तो बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन नाम का पार्टिकल इमिट होता है. पॉजिट्रॉन का जो मास होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर. और इसके ऊपर का जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है प्रोटॉन के बराबर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज द पार्टिकल इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन. नाउ द थर्ड डीके इज कॉल्ड एज गामा डीके. क्या होता है थर्ड डीके? गामा डीके. इसमें इमिट होता है गामा फोटोन इज इमिटेड. देयर इज नो पार्टिकल, ओनली फोटोन इज इमिटेड. ओके, इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं. पहले तो ये पूरा चार्ट बना लो कि कितने टाइप के डीके हो सकते हैं. अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके. बीटा डीके में दो टाइप पे, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके. बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन नाम का एक नया पार्टिकल इमिट होता है, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है. इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें पता है. ओके, दैट्स गुड गणेश, अच्छी बात है वो. लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते अपन अल्फा डीके की कहानी समझते हैं. ओके गणेश, एंटी मैटर, उसको एंटी मैटर कहेंगे. अरे ठीक है, लिख लिया क्या सबने? चलो ध्यान दो, अभी बता रहा हूं जो उस पे. ओके बेटा, डन. अब देखो अल्फा डीके की पूरी हिस्ट्री क्या है, उसमें पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी हमें अल्फा डीके पे. ठीक है, देख लो. पता नहीं केमिस्ट्री में कहां तक तुम लोग करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिक्स में थोड़ा हमें ज्यादा करना पड़ता है, काफी कुछ करना पड़ता है इनफैक्ट. देखो सबसे पहले तो शुरू करते हैं, इनफैक्ट आज के लेक्चर में देखते हैं, शायद से अल्फा डीके ही हो पाएगा अपना. देखो अल्फा डीके पहला हेडिंग डालो, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फा डीके. ओके, व्हाट इज अल्फा डीके? देखो एक तुम्हारे पास एलिमेंट है एक्स जेड ए, एक एलिमेंट था, इससे अल्फा डीके, इसका न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल, तो इससे क्या हो रहा है? अल्फा डीके हो रहा है. अल्फा डीके होना मतलब क्या? ये कन्वर्ट हो जाना वाई में, जिसका एटॉमिक नंबर चेंज हो चुका है, मास नंबर भी चेंज हो चुका है, और यहाँ हीलियम का एक न्यूक्लियस इमिट हो चुका है.
okay, the helium nucleus, which is called as alpha particle. Now, agar do se proton usne le liye, do proton usne le liye, to iske paas proton kitne bache? Z minus 2 bache. Agar mass 4 se kam hua, to iske paas mass kitna bacha? A minus 4 bacha. To is reaction se ye idhar chala gaya, ye reactant the, ye product the. Of course, iske saath ek energy emit hui hogi, usko bola maine Q. The Q amount of energy is emitted in the process. Now, ye pura ek tumhara reaction tha. इस रिएक्शन को तुम नाम देते हो न्यूक्लियर रिएक्शन. दिस इज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन. ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है. अब देखो, अपन दो टाइप के साइन कन्वेंशन इसमें यूज करेंगे, कन्वेंशन यूज करेंगे. एक तो छोटा एम मास में और एक बड़ा एम. अगर मैं छोटा एम लिख रहा हूं तो इट इज मास ऑफ न्यूक्लियस. किसका मास होगा ये? ये न्यूक्लियस का मास होगा. अगर मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं तो इट विल बी मास ऑफ एटम. किसका मास होगा ये? एटम का मास होगा. अब तुम्हें यह पता है कि इधर और इधर दोनों के मास में डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये एनर्जी लेके चला गया है. ओके, उस मास को ये एनर्जी के फॉर्म में लेके निकल गया है. ठीक है, अब समझते हैं जरा. अगर मुझे मास डिफेक्ट लिखना है, व्हाट इज मास डिफेक्ट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट मतलब चेंज इन अ मास. चेंज इन अ मास की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ वाई का मास जो सबसे ज्यादा बड़ा मास किसका होगा? इसका मास बड़ा होगा, इसका मास कम हो गया होगा. तो मैं पहले एक्स के मास से इन दोनों का मास निकालता हूँ. मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये मैंने निकाल लिया. मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. नाउ आई कैन राइट दिस मास इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ एटम. कैसे लिख सकता हूं? देखो, व्हाट आई इन प्लेस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स कैन आई राइट मास ऑफ एटम ऑफ एक्स माइनस उसमें से इलेक्ट्रॉन घटा दो. कितने इलेक्ट्रॉन थे एक्स में? जेड इलेक्ट्रॉन थे, तो जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हो गया तुम्हारा mx. अब मुझे क्या करना है, ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें तो मैं ऐसा खड़ा हो जाता हूँ. ओके, सो मास ऑफ x माइनस z इंटू me. क्या किया ये मैंने? ये मैंने mx लिख लिया. टोटल मास ऑफ एटम में से z इलेक्ट्रॉन थे तो z घटा दिए. फिर क्या करना है मुझे? माइनस. माइनस में मास ऑफ एटम ऑफ y का एटम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? z माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो z माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने घटा दिया. ओके, जेड माइनस टू मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटा दिया. अब तीसरा क्या है? मास ऑफ हेलियम. अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या है? हेलियम. लेकिन हेलियम में से कितने इलेक्ट्रॉन घटा देने? दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए तुमने, तो माइनस टू टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिया. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो ये होगा मास ऑफ माइनस एम टाइम मास ऑफ वाई. माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस जेड एम ई आ जाएगा. फिर से एक माइनस है तो माइनस टू एम ई आ जाएगा. यहाँ पे माइनस एम एच ई आएगा, प्लस टू एम ई आएगा. माइनस टू एम ई और प्लस टू को काट देंगे. उसके अलावा जेड एम ई प्लस जेड एम ई एक दूसरे को काट देंगे. ये बचेगा एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम एच ई. सो ये आ गया तुम्हारा मास डिफरेंस. मास डिफरेंस के दो फॉर्मूले निकाले. एक निकाला इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ एटम और एक निकाला इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस. मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ वाई माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल. और एक निकाला मास ऑफ एटम ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ एटम ऑफ वाई माइनस मास ऑफ एटम ऑफ हीलियम. ये निकाल लिया हमने मास डिफेक्ट. पहले इसको लिख लो बेटा, जस्ट राइट इट डाउन. काफी कुछ करना है इसमें मास डिफेक्ट में. इसको पहले लिख लो. कहाँ आ रहा है ये फोकस? ओके, लिख लो. फटाफट लिख लो इसको. न्यूक्लियस के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? न्यूक्लियर रिएक्शन है वो ब्रैकेट में जो लिखा है. न्यूक्लियर रिएक्शन आर्यन, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा है. ओके, लिख लिया सबने? चलो मिटा दूं.
ओके लिख लिया सबने पोजिशन पॉसिबल. हाउ इज द पोजिट्रॉन पॉसिबल? बताता हूँ रुको, वो आएगा रिएक्शन में आएगा ना पोजिट्रॉन, उसमें समझाऊंगा मैं. पहले तो ये लिख लिया के बोलो, जल्दी लिखो. हो गया, चलो मिटा देते हैं, ठीक है, ओके गुड. अब देखो, अब हमने क्या निकाल लिया, मास डिफेक्ट निकाल लिया. अब मास डिफेक्ट के बाद एनर्जी अपन निकाल सकते हैं. एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये डेल्टा क्यू तुम्हारा हो जाएगा, या क्यू तुम्हारा हो जाएगा मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट तुमने न्यूक्लियस के टर्म्स में निकाला, स्मॉल एम एक्स स्मॉल एम वाई माइनस स्मॉल एम अल्फा इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. या फिर एटम के मास के टर्म्स में लिखना चाहते हो, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम एच ई इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जरूरी नहीं है हमेशा ये सेम आए दोनों, ऐसे यहाँ दिखने में सेम दिख रहे पर ये हर डीके में सेम होना ये जरूरी नहीं है. ये अब तुमने क्यों निकाल लिया, क्या तुम बता सकते हो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम क्या था बता सकते हो क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम? एक्स एटम का इनिशियल मोमेंटम, चलो बताओ फटाफट, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ एच एटम? Tell me, what is the initial momentum of hydrogen X atom? पहले X atom zero पे था, तो initial momentum क्या होगा भाई? उसका initial momentum था zero. तो finally भी momentum क्या होना चाहिए? Internal force है nuclear force, तो final momentum भी क्या होना चाहिए? Zero होना चाहिए, because affinity external force acting on the system is zero. तो final momentum भी zero हो गया. ठीक है, अब देखो फाइनल मोमेंटम लेके कौन जा रहा है, लेके कौन जा रहा है? एक तो जा रहा है एक्स, सॉरी एक तो जा रहा है वाई, फाइनली कौन बना? वाई. और एक है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल. तो अल्फा पार्टिकल को इधर मिला होगा, तो वाई को इधर मिला होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए कैंसिल होने के लिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो मैं लिख रहा हूं मोमेंटम ऑफ वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ अल्फा के मैग्नीट्यूड से. लिख सकता हूं मैं, मोमेंटम ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अब मोमेंटम लिखने का फॉर्मूला मुझे पता है, ओके तो क्या बचेगा, एम वाई इंटू के वाई इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा. ओके फ्रॉम हियर आई कैन से दैट काइनेटिक, सी ये एक इक्वेशन बन गया मेरे पास, ठीक है, ये इक्वेशन बन गया एनर्जी का. ओके यहां से मैं लिख सकता हूं एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम ऑफ अल्फा अपॉन एम ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा. ये लिख सकता हूं मैं एनर्जी का इक्वेशन में, kinetic energy of y is equals to mass of alpha upon mass of y into kinetic energy of alpha. अब देखो mass of alpha क्या है, tell me what is the value of mass of alpha? 4 amu. What is the value of mass of y? y का mass मतलब ऊपर वाला number क्या है, a minus 4 amu है, multiplied by is what, kinetic energy of alpha. amu ने amu को मार दिया. यहाँ से मेरे पास आया kinetic energy of y is equals to 4 upon a minus 4 into kinetic energy of alpha. समझ में आया? अब इसको मैं यूज करूंगा, देखो इसको कहां यूज करूंगा, ये जो टोटल एनर्जी है कौन ले रहा है, एक तो ले रहा है अल्फा और दूसरा ले रहा है वाई, ये मेरा एक और इक्वेशन बन गया. अब इस इक्वेशन में मैं वाई के बदले ये रख दूंगा और सॉल्व करूंगा. चलो पहले यहां तक लिख लो, इतना लिख लो, ये 4 amu है, ये 4 amu है यहां पे लिखा हुआ. चलो इतना लिख लो, समझ में आया सबको? जिसका हो गया वो आगे का प्रोसीड कर सकता है. क्यू में पुट करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई की वैल्यू.
पुट करो। जिसका भी हो गया है वो पुट करो वैल्यू, क्या हो जाएगा? देखो अब हमें के वाई यहाँ पुट करना है, तो क्यू का वैल्यू जो निकाल चुके थे अपन, उस क्यू की वैल्यू में के अल्फा को के अल्फा रखना है, के वाई को क्या रख देना है, के वाई को रखना है 4 डिवाइडेड बाय ए माइनस 4 इंटू के ऑफ अल्फा। के अल्फा कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए माइनस 4। माइनस 4 ने प्लस 4 को मार दिया, तो क्यू की वैल्यू आ गई ए डिवाइडेड बाय ए माइनस 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये आ गया तुम्हारा क्यू। अब यहां से तुम निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू ए माइनस 4 डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ टोटल क्यू। तो अल्फा ने कितना एनर्जी लिया वो हमने निकाल लिया। अब और एक चीज निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। अब निकालते वाई ने कितना एनर्जी ले लिया। वाई का एनर्जी क्या है, वाई का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना, 4 अपॉन ए माइनस 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू। ए माइनस 4 को मार देगा, ये क्या बचेगा, 4 अपॉन ए इंटू क्यू। तो यहां से लिख लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो y है वो है 4 अपॉन ए इंटू टोटल एनर्जी, ठीक है। सो इस तरीके से हमने टोटल एनर्जी क्यू निकाली, टोटल एनर्जी क्यू के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकाली, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ y निकाली। तब ये सारी चीजें यहाँ पे हमने सबकी काइनेटिक एनर्जी तक निकाल ली है। ओके गाइस, समझ में आया सब लोग को, सबको क्लियर है? यस, पीयूष ने ऑलरेडी निकाल लिया था। के वाई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई जगजीत, ठीक है। वो तो अगर कुछ एरर हो गया हो लिखने समय तो भावना समझ जा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, क्या ये चीज भी केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं क्या, ये सही होता है क्या केमिस्ट्री में? अच्छी बात है, होता है तो। ओके गाइस, समझ में आ गया सब लोग को? तो हमने क्या किया, अल्फा का और वाई का काइनेटिक निकाला और क्यू भी निकाला, तो तीन चीजें निकाली, टोटल क्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ओके, इनफैक्ट रिएक्शन भी लिख ली, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ाते ना, तो फिर तुम तो स्टार्टिंग में बहुत कह रहे थे सब पढ़ लिया है ये। अब देखो ऐसा होता है, फिजिक्स में बहुत चीजें और है भाई, इसमें अब तीनों डीके में तुम काफी कुछ देखोगे जो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाते, तुम लोग नहीं पढ़ते हो क्योंकि उनके कोर्स में नहीं है सब, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी वगैरह क्यों निकालेंगे वो केमिस्ट्री वाले बेचारे, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते शायद टाइम हो चुका है। तो अगली क्लास के लिए होमवर्क तुम्हारा क्या है, तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी के सम करने ढूंढ ढूंढ के मॉड्यूल 4 से, बाइंडिंग एनर्जी वाले सम, ये वाले छोड़ दो फिलहाल के लिए, बाइंडिंग एनर्जी के छोटे छोटे सम जो सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करो मॉड्यूल 4 से और एचसीवी से भी, दोनों से, मॉड्यूल 4 एंड एचसीवी करो, जितना ज्यादा काम करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। पहले मॉड्यूल कर रहे हैं, मॉड्यूल इज अ प्रायोरिटी। ओके, मॉड्यूल के बाद टाइम बचता है आपके पास तो फिर आप एचसीवी कर लेना, ठीक है। यस, ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय बाय। ठीक है ड्रीम, बाद में देखेंगे, अभी अगला लेक्चर अपना मंडे मंडे तक कर लेना सब लोग, है ना। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।